का पहला सवाल है यहाँ पर, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। मतलब एक बैग है, उसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। चलो बैग को बना लेते हैं। मतलब इसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, ठीक है भाई। तो थ्री टोटल बॉल्स हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, मतलब सारी बॉल जो है वो बिल्कुल एक जैसी है साइज में। अंजलि टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इन टू इट। अंजलि क्या कर रही है कि बिना बॉल को बैग के अंदर देखे बॉल को बाहर निकाल रही है और देख रही है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ येलो बॉल, अ रेड बॉल और अ ब्लू बॉल। तो तीन पार्ट में ये क्वेश्चन, पहले वाले का आंसर निकालते हैं और बाकी जो दो पार्ट हैं वो काफी सिमिलर होंगे। चलिए, एग्जाम में काफी कुछ लिखना होता है तो उसको हम लोग लिखना सीखेंगे। काफी बच्चे सीधे इसका आंसर बता देंगे। अगर एक मार्क का आता है तो कोई कैलकुलेशन नहीं करिए और सीधे आंसर लिख दीजिए। लेकिन मान लीजिए कि यही सवाल आया और ये फोर मार्क्स का, तो आपको भाई कुछ ना कुछ थोड़ा कहानी लिखनी होगी। आपको ये एग्जामिनर को बताना होगा कि भाई मुझे थ्योरेटिकली भी इसको सॉल्व करना आता है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स का अगर यही क्वेश्चन आता है तो हमें कितना लिखना होगा वो आपको सीखना चाहिए। बोर्ड्स बस कुछ ही समय बाद है, अब उसके लिए हमें तैयार रहना है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा भाई, थ्री, वन प्लस वन प्लस वन, थ्री टोटल बॉल्स हम वहां लिख भी चुके हैं। लेट ई इज इक्वल टू एन इवेंट व्हेन येलो बॉल, मतलब अगर मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, व्हेन येलो बॉल इज टेकन आउट, देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट यहां पे लिख रहा हूं और इसीलिए येलो मैंने चूज किया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई कितने होंगे भाई, एक बार में एक बॉल निकाली जाएगी और पता चला कि वो येलो बॉल है तो वो बॉल खत्म हो जाएगी। अगर यहां पे पांच बॉल होती येलो वाली, तीन ब्लू 12 रेड, तो यहां पे येलो हमारा फेवरेबल है तो हम लोग यहां 5 लिख देते। लेकिन क्योंकि सारी बॉल्स 1-1-1 है इसलिए हम लोग 1 लिख देंगे। और देयरफॉर पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 1 + 1 + 1, 3। तो बस ये 1 हो गया, 1 हम लोगों ने यहां से ले लिया फेवरेबल वाले में और टोटल 3 है। तो बस हमारा जो आंसर है येलो बॉल पाने का वो 1/3 प्रोबेबिलिटी है। अब उसी तरह पी इवेंट यहां पे रेड करे दे रहा हूं मैं, मतलब ये मुझे वैसे ये पीई येलो लिखना चाहिए लेकिन क्योंकि मैं पहले ही यहां पे ई को डिफाइन कर चुका हूं इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो पीई रेड भी हो जाएगा 1/3 और उसी तरह पीई ब्लू हो जाएगा 1/3। अ बॉक्स कंटेन 600 स्क्रूज, 1/10 आर रस्टेड, 1 स्क्रू इज टेकन आउट एट रैंडम from this box. Find the probability that it is a good screw. ये भी देखिए काफी मतलब बेसिक सवाल है प्रोबेबिलिटी का।
और इसमें हम लोग वही अपना पुराना प्रोबेबिलिटी वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, बट पहले क्या सिचुएशन है उसे बॉक्स में या बैग में बना कर देख लेते हैं। तो टोटल इस बार पहले दे दिया गया 600, क्या है टोटल स्क्रूज, और 1/10, तो 600 का 1/10 आप अगर चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ, मतलब वैसे तो 1/10 काफी बच्चे लिख लेंगे लेकिन कुछ लिखना चाहिए ऐसे सवालों में, नंबर ऑफ रस्टेड स्क्रूज। तो क्या दिया हुआ है 1/10 ऑफ टोटल, तो उसमें से 600 है, टोटल का 600 का 1/10 रस्टेड है तो हो जाएगा 60 स्क्रूज। तो 60 हो गए रस्टेड स्क्रूज। अच्छा अब और नंबर ऑफ गुड स्क्रूज, तो गुड स्क्रूज क्या पांच होंगे सौ भाई? चालीस हाँ वेरी गुड बेटा, 600 में से 60 जाएगा, और आप सही बोल रहे हैं कि वो हो जाएगा 540। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 540 गुड स्क्रूज। बस अब इसमें इवेंट को डिफाइन करना जरूरी है बच्चों, अगर आप सीधे, काफी बच्चे बोल देंगे कि हाँ नहीं 540 अच्छे हैं, अच्छे वाले पूछा है 540 डिवाइडेड बाय 600 हमारा आंसर हो गया, लेकिन आपको इवेंट को डिफाइन करिए, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए, फिर इतना लिखिए, उस बात के नंबर बोर्ड्स में मिलेंगे। अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आ रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं, इतना छोटा और आसान सवाल वहां आएगा भी नहीं। ओके तो लेट ई इज इक्वल टू द इवेंट ऑफ टेकिंग आउट अ गुड स्क्रू, देयर फोर पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास 600 है, 600 तरीके से निकाला जा सकता है, और फेवरेबल इवेंट्स कौन से हैं, गुड स्क्रू हमारे पास कितने हैं 540। बस अब ये लिखना ठीक रहेगा, और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो बच्चों कितना होगा 9/10, 9/10, 6 से कैंसिल हो जाएगा, और यही इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइज टिकट्स एंड 995 ब्लैंक टिकट्स। तो भाई देखते हैं क्या सिचुएशन है, 5 प्राइज है टिकट्स, 995 ब्लैंक है, तो टोटल हो गए 1000 टिकट, 1000 टोटल टिकट। ठीक है भाई, अब अ पर्सन बाय द लॉटरी टिकट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग प्राइस। भाई विनिंग तब होगी जब उसे प्राइज्ड टिकट मिलेगा, तभी प्राइज मिलेगा, तभी विनिंग कहलाई जाएगी, यही हमारा फेवरेबल इवेंट हो गया और ये टोटल इवेंट हो गया। तो लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइज्ड टिकट, ठीक है, तो पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, देखिए फेवरेबल मैंने लिख ही दिया है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1000, आंसर
आंसर हो जाएगा 1/200। यही हमारा आंसर है कि भाई जो मैन है वो विनिंग हो जाए, उसकी विनिंग प्राइस टिकट वो ले ले, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, मतलब 12 बेकार पेन है, 12 डिफेक्टिव पेन्स और 132 गुड पेन्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, मतलब किसी पेन को देख के बता नहीं सकते हैं कि वो डिफेक्टिव है कि नहीं है। वन पेन इज टेकन आउट फ्रॉम एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो हमारा जो फेवरेबल इवेंट है वो ये वाला हो जाएगा, टोटल पेन्स जोड़ लेते हैं तो ये हो जाते हैं 144 टोटल पेन्स। अब हम लोग एक इवेंट डिफाइन करते हैं ई, लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ टेकिंग आउट अ गुड पेन। गुड पेन ही हमारा फेवरेबल इवेंट है। अब पीई हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बस ज्यादा कुछ काम नहीं करना, फेवरेबल आउटकम हमारे हैं 132, टोटल आउटकम हमारे हैं 144। अब स्टूडेंट्स बताइए इसको हम लोग 12 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 11/12। तो बस यही अपना आंसर। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 5/11, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। तो भाई अगर कोई गेम है उसको या तो जीता जा सकता है या हारा जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। किसी भी गेम का कोई और रिजल्ट नहीं आ सकता कि ना हम भाई गेम जीत भी नहीं पाए हार भी नहीं कर पाए तो भाई क्या कर पाए, तो ऐसा नहीं होता, या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। तो अब हम लोग इवेंट डिफाइन करते हैं, लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ विनिंग द गेम given PE is equal to 5/11। अब एक और इवेंट डिफाइन करते हैं, लेट ई बार इज इक्वल टू इवेंट ऑफ लूजिंग द गेम। ठीक है भाई, तो एक और इवेंट डिफाइन कर लिया। तो अब हमें पी, एक तरीके से हमें पीई बार कैलकुलेट करना है। सवाल हमारा ये है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग आप बताइए कितना होगा। तो अब यहां पे मैं ये बात लिख रहा हूं, अ गेम कैन हैव ओनली टू आउटकम्स। टू आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, विनिंग और लूजिंग। बस अब इसी चीज को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी कहते हैं। जब कोई दो इवेंट या चार इवेंट या खूब सारे इवेंट मिलकर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है कि मतलब उनके अलावा और कोई आउटकम नहीं आ सकता, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। जैसे आगे हम लोग डाइस में करेंगे, तो डाइस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह इवेंट है, तो ये छह इवेंट मिलकर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। अगर सिंपल एक कॉइन लेते हैं तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल मिलकर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। तो ये क्योंकि विनिंग और लूजिंग भी हेड और टेल की तरह है, तो हम लोग लिख देंगे पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। और यहां पे मैं रीजन भी लिख दे रहा हूं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। चलो भाई, अब बस ज्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है हमारे पास, पीई हमें दिया ही हुआ है, पीई बार पूछा गया है,
ये 1 है, 5 by 11 1 से माइनस होगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 से 5 by 11 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 6 by 11. यही अपना टू प्लेयर्स सानिया एंड सोनाली प्ले अ टेनिस मैच. इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.69. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली विनिंग. ठीक है, देखते हैं इवेंट्स को नाम देते हैं पहले, बाकी काफी बच्चे इसका डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे, बट बोर्ड एग्जाम में जैसे लिखना है उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग. लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ सानिया विनिंग. तो भाई ई बार का एक और नाम दे देते हैं, इवेंट ऑफ सोनाली विनिंग. ठीक है, आपको दिया हुआ है कि भाई 0.69 क्या है, कि सानिया जीत रही है 0.69 के हिसाब से, ये प्रोबेबिलिटी है. तो पीई हो जा रहा है 0.69. अब यहां पर अब दो ही प्लेयर है क्योंकि, तो या तो सोनिया जीतेगी या सानिया जीतेगी. ठीक है, दो ही प्लेयर है, या तो सानिया जीतेगी और या सोनाली जीतेगी. ठीक है, तो ई और ई बार अपने आप में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे और वो जोड़कर 1 देंगे. तो अ गेम बिटवीन जस्ट टू प्लेयर्स विल बी 1 by any 1 player. So E and E bar are mutually exhaustive events. Therefore PE plus PE bar is equal to 1. और PE आपको 0.61 दिया हुआ है, PE bar कैलकुलेट करना है, तो PE bar आ जाएगा 0.39. 1 से 0.691 जाएगा, 0.69 है सॉरी यहां पे, तो 0.69 यहां पे करेंगे, यहां पे भी 0.69 करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.3. Contains 3 red balls and 5 black balls. चलो भाई बैग बना लेते हैं. 3 red, 5 black. तो टोटल कितनी हो गई, 8. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो event define करते हैं पहले. E is equal to event of taking out या drawing भी लिख सकते हैं, taking out a red ball. तो बस PE क्या हो जाएगा, भाई पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो PE हो जाएगा भाई red हमारा हो जाएगा फेवरेबल वाला. तो red balls कितनी है, 3 है, total balls कितनी है, 8 है, तो PE हो जाएगा 3 by 8. तो रेड निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी है 3 by red. अब अगली बार है कि आपको नॉट रेड पूछा गया है, रेड भी लिख देता हूं चलिए मैं यहां पर. और अब ई बार इवेंट ऑफ टेकिंग आउट अ नॉट रेड बॉल. नॉट रेड बॉल मतलब अब इस केस में तो केवल ब्लैक हो जाएगा. अब जैसे 3-4 कलर दिए होते तो रेड के अलावा जितनी बॉल्स होती सबको हम लोग इंक्लूड कर सकते थे. अच्छा, तो अब यहां पे तो वही है कि हम लोग पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 वाला इस्तेमाल करेंगे. भाई बॉल या तो रेड होगी या नॉट रेड होगी, इसके अलावा और क्या हो सकती है. तो थ्री, हाँ बच्चों बिल्कुल सही बताया आपने, PE bar is equal to 1, तो PER आ जाएगा
5/8. तो यही अपना आंसर है. 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ आर स्कूल ऑफ विच 25 आर गर्ल्स एंड दी अदर्स आर बॉयज. किसी स्कूल के क्लास 10th में 40 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 25 गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज हैं, यानी 15 बॉयज हैं. तो चलो ये लिख ही लेते हैं पहले. जो अपना टेबल बन रहा है, एक तरीके मैंने बर्तन बना दिया है, ये क्लास है, ठीक है. और 40 स्टूडेंट्स हैं, 25 गर्ल्स हैं, तो अब 40 में से 25 बच गया, तो हमारे पास है 15 बॉयज. द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव. मतलब एक बच्चे को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है या मॉनिटर बनाना है. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. और हर बच्चे का उन्होंने कार्ड में नाम लिखा, सारे कार्ड एक जैसे थे, और उन कार्ड को एक बैग में डाल दिया. She puts cards in a bag and stirs them thoroughly. और उनको कार्ड्स को सबको मिला दिया गया. Then she draws a card from the bag. फिर उसने क्या किया कि बैग से एक मिले हुए जो बैग है उनका कार्डों से भरा हुआ जो बैग है और सारे कार्ड मिल चुके हैं उससे वो एक कार्ड निकालती है. What is the probability that name on the card is of a girl or a boy? तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड में नाम है वो गर्ल का है या बॉय का? बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है. सीधी बात ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्लास में 25 गर्ल्स है, 15 बॉयज है, मॉनिटर चुनना है और क्या बोलते हैं सब एक ही मॉनिटर चुनना है. उसने रैंडमली एक कार्ड निकाला तो या तो उसने गर्ल का नाम लिखा होगा या बॉय का नाम लिखा होगा. तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है या बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी है? काफी बच्चे आंसर सोच चुके होंगे इसी पॉइंट पे, बट फिर हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगा कि भाई लिखना आना चाहिए. ओके, लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ अ गर्ल्स नेम ऑन द कार्ड ड्रॉन. जो कार्ड खींचा गया उसमें तो लड़की का नाम निकला है, ऐसा इवेंट है. तो अब अगर ये है गर्ल का नाम है आ रहा है, इसको मैं फेवरेबल मानूंगा. तो बस PE इज इक्वल टू फेवरेबल कितना हो गया 25 और टोटल कितना हो गया 40. वही प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगा रहे हैं तो ये हो गया 5/8. तो बस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल है 5/8. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय कितनी होगी? PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1, क्योंकि भाई जो भी कार्ड निकाला जाएगा या गर्ल का होगा या बॉय का होगा और कोई तीसरा जेंडर है नहीं. तो ई बार का हम लोग नाम लिख देते हैं इवेंट ऑफ अ बॉयज नेम ऑन द कार्ड ड्रॉन. मतलब जो भी कार्ड ड्रॉ आउट किया गया है ऑन द, यहां भी लिख लें तो अच्छा होगा, उसमें अब की बार बॉयज नेम ले रहे हैं तो ई बार को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं. ये 5/8 है, ये पीई बार इज इक्वल टू 1, तो पीई बार जो हो जाएगा 1 में से 5/8 गया तो ये हो जाएगा 3/8. यही अपना आंसर है सेकंड पार्ट का. फर्स्ट पार्ट का लेटर इज चोजन फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल. तो आप देखिए पहले ट्रायंगल वर्ड के लेटर्स को थोड़ा अलग अलग समझ लेते हैं. ठीक है, तो वॉवेल आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूं. वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू. इनके अलावा जो होते हैं बाकी सब एबीसीडी में, इनके अलावा जो होते हैं वो होते हैं 21. उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. वो गिनती में ये 5 है और बाकी जो 21 है वो उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं ए ई आई ओ यू कौन से. ए हो गया, एक आई हो गया और एक ई हो गया. बाकी सारे जो लिखे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट हैं और ये 3 वॉवेल हैं. ठीक है,
अब इसमें वही हम लोग अपना टेबल बनाते हैं, वॉवेल कितने हैं, तीन। अब मैं नॉन वॉवेल ले रहा हूं क्योंकि यहां पे कॉन्सोनेंट वर्ड दिया नहीं हुआ है, तो नॉन वॉवेल कितने हैं वो हो जाएंगे 5। टोटल कितने हैं, टोटल हो जाएंगे 8। ठीक है, बस। अब इसमें से कोई एक, अच्छा एक और चीज है कि सारे लेटर डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो कोई रिपीटिशन नहीं है। ठीक है, तो अब बस फेवरेबल हमारा क्या हो जाएगा, ये फेवरेबल हो जाएगा। तो बस ई, लेकिन इवेंट बच्चों हमेशा डिफाइन करना थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन डिफाइन करिए। लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ वॉवेल चूजन फ्रॉम द वर्ड ट्रायंगल। ठीक, तो पीई इज इक्वल टू फाइव, फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने, 3 है, या तो इसे चूज कर ले, ऐसे चूज कर ले, या इसे चूज कर ले, काम के 3 है। टोटल नंबर कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 8 चूज कर सकते हैं। आंसर आपका आ गया 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल क्या है, 3/8। लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। देखिए इधर भी पिछले क्वेश्चन का ज्ञान इस्तेमाल करेंगे। ये टोटल अल्फाबेट होते हैं 26, उनमें से 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अब उसी तरह बना लेते हैं हम लोग कि भाई इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं 26 टोटल, 5 होते हैं वॉवेल और 26 21 होते हैं, सॉरी 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट ही हमारा फेवरेबल इवेंट है एक तरीके से, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। तो फेवरेबल इसी को बोलेंगे। तो लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ द लेटर चूजन बीइंग अ कॉन्सोनेंट, जो भी चुना जाए वो एक कॉन्सोनेंट हो, उस इवेंट को हम लोग ई बोल रहे हैं। तो पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स नंबर ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो हो जाएंगे हमारे भाई कितने तरीके से, कोई भी लेटर चूज कर सकते हैं, वो है 26। और लेकिन हम लोग कॉन्सोनेंट कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो है 21, तो वो यहां आ जाएगा। और बस यही हमारा आंसर। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 7 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, ब्लैक और व्हाइट, नॉट ब्लैक। चलिए, 3 पार्ट्स है इसमें। पहले बैग को बना लेते हैं। बैग में 5 ब्लैक 7 रेड और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। तो 7, 5, 12, 3, 15 टोटल बॉल्स हो गए। तो अब पहला वाला पार्ट है पी रेड। पी रेड का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल इज ड्रॉन। अब एक ही बॉल उठाई जा रही है, तो कोई भी बॉल अगर उठाई जाए वो रेड आए, उसके लिए 7 चांसेस हैं, क्योंकि 3-7 में से वो उठ जाए, तो 7 हमारे यूजफुल इवेंट हो जाएंगे और 15 हमारे यूजफुल इवेंट बोलते हैं, कुछ लोग फेवरेबल इवेंट भी बोलते हैं, और 15 हमारे टोटल इवेंट हो जाते हैं। तो पी रेड 7/15 हो गया। अब दूसरा वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है, यहां पर ब्लैक और व्हाइट बोला जा रहा है। पी ब्लैक और व्हाइट लिख रहा हूं मैं, तो इसमें ब्लैक निकल आए तो भी यूजफुल मान रहे हैं, तो भी फेवरेबल मान रहे हैं,
और अगर व्हाइट निकल आए तो भी फेवरेबल मान रहे हैं। तो इस केस में हमारे जो फेवरेबल इवेंट है वो 5 + 3 हो जाएंगे, और टोटल तो हमारे अभी भी 15 है, तो ये 8/15 आ जाएगा। उसी तरह पी नॉट ब्लैक बोल रहे हैं, नॉट ब्लैक में क्या है, हम इसे बोल सकते हैं 1 - P ब्लैक, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि या तो कोई बॉल ब्लैक होगी या नॉट ब्लैक होगी, और कोई तीसरी बात तो हम लोग नहीं बोलेंगे, या यस होगा या नो होगा। तो 1 - P ब्लैक अब कैसे निकालेंगे, ब्लैक हमारे यूजफुल यहाँ पे 5 हो जाएंगे, अगर पी ब्लैक बोल रहे हैं तो यूजफुल 5 हो जाएंगे, और टोटल कितने हैं 15, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1/3, तो ये हो गया 2/3। तो यानी पी नॉट ब्लैक का आंसर है 2/3, पी ब्लैक और व्हाइट का आंसर है 8/15, और पी रेड का आंसर है 7/15। ये सिमिलर है यहाँ पर, अ बॉक्स कंटेन्स 5 ब्लैक 7 ब्लू एंड 8 व्हाइट मार्बल्स। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। मार्बल होता है कंचे जो हम लोग खेलते हैं, छर्रे टाइप का, तो वो छोटी बॉल है एक तरीके से कांच की। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, नॉट ब्लैक और ग्रीन। चलो देखते हैं, तो जो बॉक्स है उसमें क्या क्या है उसे लिख लेते हैं। 5 ब्लैक 7 ब्लू 8 व्हाइट, टोटल कितने हैं 7 5 12 8 20 मार्बल्स। ठीक है, ऐसे बनाने से फायदा क्या होता है कि हमें क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है, हमें मतलब बॉक्स अपना दिखाई दे रहा है कैसा है। चलो तो अब हमें क्या निकालना है, अब इवेंट डिफाइन करना लिख लिख लेना चाहिए, हर बार आपको क्वेश्चन में लिखना चाहिए, लेट ई इज इक्वल टू इवेंट व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज ड्रॉन। ई ब्लैक लिख रहा हूं मैं यहां पर, अ ब्लैक मार्बल इज ड्रॉन, ठीक है, देयर फोर पीई ब्लैक। पीई ब्लैक कैसा आएगा भाई, काम का इवेंट कौन सा है अपना, कि भाई ब्लैक मार्बल निकल आया, तो वो कितने बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, 5 तरीके से ब्लैक मार्बल निकल सकता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी 5 की ही है। अच्छा टोटल हमारे पास 20 है, तो ये हो गया 1/4। इसी तरह हमें इसके इसके और इसके लिए भी इवेंट डिफाइन करना चाहिए, बट लैक ऑफ स्पेस की वजह से मैं नहीं कर रहा हूं। आप अपनी कॉपी में जरूर करिए, अगर आप असाइनमेंट कर रहे हैं या यही सवाल एग्जाम में आ रहा है इस तरह का, आपको लिखना चाहिए। ओके और फिर पी ब्लू और ब्लैक बोल रहा हूं इस बार मैं, बच्चों प्लीज ध्यान रखिए, जब और कंडीशन होती है तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है, मतलब ब्लू आ जाए तो भी हम खुश हो जाएंगे कि फेवरेबल इवेंट है, और ब्लैक आ जाए तो भी हम खुश हो जाएंगे फेवरेबल इवेंट है, और दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, मतलब दोनों को, दोनों हमारे फेवरिंग इवेंट्स हैं तो उन्हें ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो 5 ब्लैक हैं और 7 ब्लू है, तो 7 चाहे ब्लू आए चाहे ब्लैक आए, दोनों बार अपना फेवरेबल है, तो 7 + 5 हमारा फेवर है और 20 हमारे टोटल इवेंट्स हैं, तो 7 + 5 = 12 हो गया, 20 4 3 = 12 4 5 = 20। तो ये अपना दूसरा पार्ट हो गया इस जगह, पहला पार्ट ये था, सेकंड पार्ट यहां आ रहा है, और थर्ड आप कर रहे हैं। चलिए अब नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक निकालने के लिए बस सबसे अच्छा तरीका है कि 1 - P ब्लैक निकाल ले हम लोग, तो पी ब्लैक क्या होगा, हम लोग कर चुके हैं, वो 1/4 आ चुका है, 1/4, तो ये हो गया 3/4। अब चौथा वाला पी ग्रीन, अब भैया जो चीज है ही नहीं उसको आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं,
तब जीवन भर निकालते रहिए एक एक मार्बल, कभी ग्रीन मार्बल नहीं निकल पाएगा इस वाले बैग से, क्योंकि भैया ग्रीन है ही नहीं। तो फिर हमारा जो फेवरेबल इवेंट है वो हो जाएगा जीरो, और टोटल डिवाइडेड बाय 20, तो पी ग्रीन हमारा हो रहा है जीरो। तो हमारे आंसर्स ये सब है 1/4, 3/5, 3/4 और 0। 6 रेड बॉल्स, 8 व्हाइट बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। चलिए जो भी हमारे पास बॉल्स का सेट है उसे बना लेते हैं। बैग ये है हमारा, 6 रेड बॉल्स, चलो 8 व्हाइट बॉल्स, बहुत बढ़िया, 5 ग्रीन बॉल्स और 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 8 6 14, 5 19, 3 22 बॉल्स। टोटल इज इक्वल टू 22 बॉल्स। ऐसा हमारे पास सेट है बॉल्स का। अब पूछा जा रहा है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट। तो अब एक बॉल निकाल ली और देख रहे हैं कि किस कलर की है, तो वो किसी भी कलर की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर, है ना? वो तो रैंडम हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एट रैंडम। तो अब बस व्हाइट हम चाहते हैं अगर, तो पी व्हाइट क्या होगा? व्हाइट के लिए हमारा फेवरेबल है 8 केसेस, मतलब 8 तरीके से व्हाइट बॉल निकल सकती है और 22 तरीके से कोई भी बॉल निकल सकती है। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। आप 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4/11। उसी तरह हम लोग कर रहे हैं पी रेड और ब्लैक। तो रेड और ब्लैक के लिए क्या 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 अवेलेबिलिटी है? 6 रेड है और 3 ब्लैक है, तो 6 + 3 / 22 ये हो जाएगा 9/22। और थर्ड पार्ट है हमारा पी नॉट ग्रीन। भाई हमें नॉट ग्रीन चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे 1 - p green। बहुत अच्छे, अब p green क्या है? 5 है, टोटल 22 है, तो 5/22 ये हो जा रहा है 17/22 है। तो हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया। अब फोर्थ पार्ट में क्या है? नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, तो p नाइदर व्हाइट, जैसे नॉट ग्रीन है उसी तरह हम लोग नाइदर, और देखिए भाई स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो रहा है लेकिन जो क्वेश्चन में है वो सही है, नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, ये है हमारा सवाल। तो फिर वही है कि 1 - p व्हाइट और ब्लैक, क्योंकि नो मतलब हमें नॉट चाहिए, तो यस वाला कर लेंगे 1 - करके तो नॉट आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगा रहे हैं। तो व्हाइट और ब्लैक में काम के कौन से हैं? 8 व्हाइट हैं और 3 ब्लैक हैं, तो 8 + 3 / 22, तो ये 8 3 11 और बटे 22, तो ये हो जाएगा 11/22 और ये हो जाएगा 1/2। तो जो भी हमारे क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर 1/2 है, 17/22 है, 19/22 है और 4/11। पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 50 1 रुपी कॉइन्स, 20 2 रुपी कॉइन्स एंड 10 5 रुपी कॉइन्स। चलिए पिगी बैंक को बना लेते हैं हम लोग। इस बार उल्टा बर्तन बना रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिगी बैंक को उल्टा किया गया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। ठीक है, तो 50 पैसे कॉइन्स जो हैं वो कितने हैं? 100, है ना? ये मतलब सिक्कों की वैल्यू है और ये सिक्कों का नंबर है। और 51 रुपी कॉइन और 2 रुपी कॉइन जो है वो है कितने? 20, और थोड़ा बड़ा कर देते नहीं तो गिर जाएंगे। ओके, और रुपीज
फाइव वाले हैं 10 कॉइन्स. अब इसे उल्टा किया गया, इट इज इक्वली लाइकली दैट वन कॉइन विल फॉल डाउन व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन. इसी को पिगी बैंक बोल रहे हैं. बच्चों पिगी बैंक कुछ विशेष चीज नहीं होती है, एक ऐसा गुल्लक होता है जिसका शेप सुअर जैसा होता है, इसीलिए पिगी बैंक. ओके चलिए, तो कोई विशेष बात नहीं, उसे उल्टा किया गया है और कोई भी सिक्का बाहर निकल सकता है, सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, सबके चांसेस बराबर है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन. चलो देखते हैं कि 50 पैसे कॉइन कितने हैं. 100 टोटल लिख लेता हूं पहले मैं. टोटल कॉइन्स कितने हैं भाई, 150, 170 और 180 कॉइन्स हैं. अच्छा, अब पहला वाला पार्ट क्या है, पी 50 पैसा कॉइन. टोटल कितने हैं, 180. 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 100. काम के जो अपने फेवरेबल हैं वो है 100. तो बस ये कितना हो गया, 10/18 जो कि हो जाएगा 5/9. अब दूसरा क्या है, पी नॉट 5 रुपी कॉइन. नॉट 5 रुपी कॉइन का मतलब है 1 - P 5 रुपी कॉइन. ये बात होगी. तो 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने हैं, 10 हैं. फिर 1 - 10/180 टोटल तो तब भी 180 रहेगा और ये 1 - 1/18 जो कि आ जाता है 17/18. Consists of 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. अब जो सिचुएशन है उसे ड्रॉ कर लेते हैं अपने पुराने तरीके से. कार्टन ये है जिसमें 100 शर्ट्स हैं, 88 अच्छी है तो गुड कितनी है, 88. 8 है माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट वाली कितनी है, 8. और 4 है मेजर डिफेक्ट. मतलब 88 शर्ट बिल्कुल बढ़िया है, 8 में थोड़ी डिफेक्ट है और 4 में बहुत ज्यादा डिफेक्ट है. टोटल कितने हो गए, 100. पीटर अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द गुड शर्ट्स बट सलीम अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स. तब दोनों पीटर और सलीम के अपने अपने तरीके हैं शर्ट्स को चूज करने के. भाई कोई चीज, कोई अब अच्छा ट्रेडर है जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता क्वालिटी के साथ, वो इस केस में पीटर है. और सलीम क्या है कि मतलब सारी चीजों को इंक्लूड करके चलता है, लेकिन हाँ बिल्कुल बेकार माल वो भी नहीं लेगा. वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू पीटर. और अब दूसरा सवाल है, इट इज एक्सेप्टेबल टू सलीम. चलिए देखते हैं. पहला वाला है कि भाई पी एक्सेप्टेबल टू पीटर. बोला गया है कि पीटर केवल अच्छी शर्ट ही लेगा, है ना. पीटर अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द गुड शर्ट्स. तो एक्सेप्टेबल टू पीटर होगा तो केवल गुड में से ही निकलनी चाहिए. तो वैसे 88 केसेस है, टोटल कितने हैं, 100. तो आंसर अपना हो जाएगा 22/25. बस पीटर की पसंद समाप्त हो गई है. अब आते हैं हम लोग सलीम. अकॉर्डिंग टू सलीम क्या होगा, ये क्या कर रहा है कि केवल मेजर डिफेक्ट्स जिसमें है उन्हें नहीं ले रहा है और गुड को भी लिए ले रहा है और माइनर को भी लिए ले रहा है. तो इसके केस में क्या होगा, 88 + 8/100 तो ये हो जाएगा 96/100 और हमारा आंसर हो जाएगा 24/25. तो सलीम के लिए आंसर ये है और पीटर के लिए आंसर इसका सवाल है. A die is thrown once. What is the probability that the number is even
या नंबर इज ग्रेटर देन टू। देखिए जब भी आपको डाइस दिया हो और उसमें कुछ ना दिया हो कि उसके फेसेस कैसे हैं, किसमें क्या दिया हुआ है, तो आपको दो अजम्पशन लेने पड़ेंगे। एक तो ये कि वो डाइस में छह फेसेस होंगे, दूसरी बात आपको ये समझनी होगी कि छह फेसेस में 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होंगे और जो टॉप पे आएगा वो ही नंबर माना जाएगा कि इवन आया है कि ग्रेटर देन टू आया है या जो भी कंडीशन आपको दिया रहेगा। तो यहां पर कुछ नहीं दिया गया, ये वही वाला डाइस है जो आपने लूडो में देखा है, बस इतना आपको समझना है। मुझे लगता है हर एक बच्चे ने लूडो खेला होगा और नहीं खेला है तो भाई खेल लीजिए, थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है, है? अच्छा तो अब देखिए नंबर आपको क्या क्या दिखाई दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बस। अब वही बात है, यहां पे मैं फिर से लिखे दे रहा हूं टोटल कितना है 6। पहला सवाल ये है कि भाई नंबर इज इवन, तो लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द डाई, ठीक है भाई। तो डाइस जो है उसमें हमें इवन नंबर मिल जाए, हम ये चाहते हैं, चलो भाई ठीक है। इवन नंबर कौन कौन से हैं चेक कर लेते हैं भाई। इवन नंबर है, एक हो गया 2, एक हो गया 4 और एक हो गया 6। तो जो रेड से टिक है वही हमारे पहले वाले क्वेश्चन में फेवरेबल इवेंट है। तो अब पीई अगर हम निकालना चाहें तो फेवरेबल इवेंट कितने हैं 3 और टोटल इवेंट कितने हैं 6, तो आंसर हो गया 1/2। अब दूसरे वाले में देखते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 2, तो अब की बात फिर पी नंबर ग्रेटर देन 2 ये कैलकुलेट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार। तो ग्रेटर देन 2 में कौन से अपने काम के हैं भाई, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ना लिखा हो तब तक हम लोग 2 को नहीं मानेंगे, तो 2 अपने काम का नहीं है। लेकिन हां 3 4 5 6 ये चारों हमारे काम के, तो इस बार फेवरेबल इवेंट कितने हो गए 4 और डिवाइडेड बाय टोटल 6, ये हो जाएगा 1/ तो 4 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा कितना 2/3, तो 2/3 और 1/2 ये है। ओके ये सवाल है हमारा, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। तो सवाल सॉल्व करते हुए हम लोग इन्हें देखेंगे, फिर अपना डाइस फेंका गया है और ये सारी चीजों फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि कितनी कितनी आएगी, कि हम लोग ये सब फाइंड आउट करें। ओके चलिए देखते हैं, पहले तो डाइस में अवेलेबल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स हैं। और अब पहला वाला क्या है कि भाई हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, ये चाहिए हमें। तो सबसे पहले बेसिक चीज कि भाई हमारा टोटल कितना 6, कितनी एंट्रीज है यहाँ पे 6 एंट्रीज है, तो सभी जगह हमें 6 से डिवाइड करना होगा क्योंकि हर बार डाई को एक ही बार फेंका जा रहा है, तो अवेलेबल जो सैंपल स्पेस है वो 6 का होगा, ठीक है। तो अब ऑड नंबर हमें चाहिए, तो ऑड कौन कौन से भाई, 1 3 और 5, तो काम की एंट्रीज फेवरेबल एंट्रीज 3 है और टोटल जो आने की पॉसिबिलिटी है वो 6 है, तो पी ऑड हो गया 1/2। अब दूसरा देखते हैं, प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 5, तो अब की बार क्या है नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 में क्या क्या है भाई, 5 खुद लेस देन 5 में नहीं आएगा, लेकिन क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 चार चीजें, 5 लेस देन 5 नहीं है, 6 लेस देन 5 नहीं है, तो काम के कितने हैं 4, 4/6 डिवाइडेड बाई 2/3। अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो प्रोबेबिलिटी
नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 में सिर्फ एक ही चीज है काम का, क्या है? 6। तो उसे हम लोग लिख दे रहे हैं, वो है 1/6 ही अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला सवाल है कि भाई हमें प्राइम नंबर चाहिए, तो पहले देख लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। बच्चों प्लीज ध्यान रखिए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ना कि 3। बहुत लोग 3 को छोटा प्राइम नंबर बोलते हैं, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि 1 को भी प्राइम नंबर मान लेते हैं। 1 होता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और 2 होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, 3 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर दैट इज ऑड। 3 या 3 के बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं सब हमेशा ऑड आएंगे, 2 के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होगा जो इवन होगा। ये सब बातें अगर याद होंगी तो ये डाइस वाले सवाल अच्छे से होंगे। वैसे ये क्लास 6th या 7th का कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर ये सब पढ़ाए जाते हैं। आई होप आप ये जानते हैं, वरना थोड़ा रिवाइज कर लीजिए तो ये सवाल समझना आसान होगा। प्राइम नंबर देखते हैं क्या क्या है। तो पहला प्राइम नंबर है 2, 3, 4 नहीं है, 5 है, तो प्राइम नंबर हमारे कितने हो गए? 3। तो पी प्राइम 3 डिवाइडेड बाय 6, टोटल 6 है हर बार, भूलना नहीं है, तो आंसर हो गया अपना 1/2। अब देखिए अगला वाला सवाल बहुत ही मतलब बचकाना है, उसमें पूछा गया है कि भाई अ नंबर लेस देन 8, कोई ऐसा नंबर जो 8 से कम, भाई सारे नंबर लेस देन 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इवन 7 भी होता अगर हाइपोथेटिकली तो वो भी लेस देन 8 होता, बट डाइस में 7 आ नहीं रहा है, तो हमारे काम के इवेंट कितने हैं? 6। तो इस बार नंबर लेस देन 8 कितना हो जाएगा? काम के कितने हैं? 6, टोटल कितने हैं? 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जा रही है 1। अच्छा इस बार देखते हैं कितने केसेस अपने काम के हैं। अ नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिविजिबल कौन कौन है? 3 और 6, तो बस अपने काम का क्या हो जाएगा? 2 ही है, और नंबर डिविजिबल बाय 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 काम के हैं, 2 डिवाइडेड बाय 6, आंसर हो जाएगा 1/3। उसके आगे चलते हैं हम लोग, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, प्लीज रिमेंबर बच्चों, थोड़ी सी इंग्लिश में अगर गलती हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बिटवीन 3 एंड 6 में आंसर होंगे आपके जो काम के नंबर्स होंगे वो 4 एंड 5 होंगे। अगर यहां फ्रॉम 3 टू 6 लिखा होता तो उस केस में हम एक्सट्रीम्स को भी ऐड करते, पर यहां नहीं करेंगे। प्लीज रिमेम्बर, जब बिटवीन एंड दिखा हो तो एक्सट्रीमिटीज को, एक्सट्रीम नंबर्स को, यानी किनारे वाले नंबर्स को ऐड नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर फ्रॉम लिया हो तो एक्सट्रीम नंबर्स को, यानी कि जो एंड नंबर्स हैं, जैसे यहां पे 3 एंड 6 है, उन्हें इंक्लूड करते हैं। तो चलो भाई बिटवीन वाला केस है तो 3 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 4 और 5 अपने काम के हैं। काम के कितने हैं? 2 एंट्रीज, तो बस प्रोबेबिलिटी नंबर बिटवीन 3 एंड 6, काम के कितने हैं? 2, 2 डिवाइडेड बाय 6, आंसर हो गया 1/3। अ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, याद रखिए कि और वाले केसेस में हम लोग जो भी अपने इवेंट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो तब भी हमारे काम का है, कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो तब भी हमारे काम का। अगर एंड होता तो हमें वो वाले देखने पड़ते जो 2 से भी डिविजिबल हो और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल हो। यहां पे हमें 2 के अलग देखने हैं और 3 के अलग देखने, सबको ऐड कर लेना, कोई कॉमन है तो उसे एक ही बार लेना होगा, ये सारी बातें ध्यान रखें। तो पहले 2 से डिविजिबल क्या है? 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। 3 से डिविजिबल क्या है?
थ्री भी है और सिक्स भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम सिक्स को दो बार काउंट करेंगे, तब भी सिक्स को हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो रेड मार्क्ड कितने हैं? चार हैं। तो बस प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय टू और थ्री, तो टू और थ्री से डिविजिबल वाले कौन कौन से हैं उनको देख रहे हैं, और हमारा आंसर हो रहा है फोर डिवाइडेड बाई सिक्स, चार काम के हैं तो आंसर हो जा रहा है टू बाई थ्री। तो अब जो किवन क्वेश्चन था कि भाई एक डाइस फेंका गया और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने की कितनी है, तो वो है वन बाई टू। प्रोबेबिलिटी लेस देन फाइव लाने की कितनी है, ऐसा नंबर आए जो फाइव से कम हो, तो आंसर है टू बाई थ्री। और प्रोबेबिलिटी की एक नंबर ग्रेटर देन फाइव है, तो आंसर कितना है वन बाई सिक्स। प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर है, आंसर कितना है वन बाई टू। नंबर लेस देन एट हो, आंसर है वन। नंबर डिविजिबल बाई थ्री हो, आंसर है वन बाई थ्री। नंबर तीन और छह के बीच में हो, तीन और छह जहां इंक्लूडेड नहीं है, आंसर है वन बाई थ्री। और एक नंबर दो से या थ्री से डिविजिबल हो, तो आंसर है टू बाई थ्री। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर मार्क्ड है। देखिए हमारे सामने सवाल है। अब यहाँ पर जो डाइस है वो थोड़ा स्पेशल है, उसमें जो फेसेस हैं वो लूडो वाले नहीं, इन्होंने अपने फेसेस खुद दे दिए हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में है, देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग। अ डाई हैज सिक्स फेसेस एज शोन, द डाई इज थ्रोन वंस, मतलब एक बार डाई को फेंक दिया गया और पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन तीन केसेस में। पहला काम मैं ये करूंगा कि इसको वैसे ही लिखूंगा जैसे नंबर लाइन में इनका ऑर्डर होता है, तो उल्टा हो जाएगा। माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो है नहीं, वन टू और थ्री। तो इससे ये पता चल जाएगा यहां से लेके यहां अगर जा रहे हैं तो हम लोग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हमें ऐसे देखने की आदत है इसलिए इस तरह लिखा है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त करने का जो हमारा प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, तो नाम सीधे दे रहा हूं, पी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बिल्कुल आसान है, दिखाई दे भी रहा है कि जिसमें नेगेटिव साइन नहीं है वही पॉजिटिव है। टोटल केसेस कितने हैं? सिक्स हैं, तो टोटल इज इक्वल टू सिक्स लिख रहा हूं मैं, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और पॉजिटिव कितने? थ्री है, बस। तो हमारा पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया, वन बाई टू आ गया। और दूसरा वाला देखते हैं, एन इंटीजर ग्रेटर देन माइनस थ्री, इंटीजर ग्रेटर देन माइनस थ्री। तो देखिए माइनस थ्री से बड़े सब है, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने ये ऑर्डर उल्टा करके क्यों लिखा है, ताकि ग्रेटर और लेस हमें यहां ज्यादा समझ में आएगा। तो माइनस थ्री से बड़े सब है, बाकी पांच, तो पांच डिवाइडेड बाय सिक्स, ये अपना आंसर है सेकंड पार्ट का। और थर्ड पार्ट में देखते हैं द स्मॉलेस्ट इंटीजर, अब कोई भी छह चीजें होंगी तो उसमें स्मॉलेस्ट तो एक ही होगा, यहां पर स्मॉलेस्ट क्या है? माइनस थ्री। तो माइनस थ्री स्मॉलेस्ट है, उसे यूज कर रहे हैं थर्ड पार्ट में। तो पी स्मॉलेस्ट इंटीजर, कितना स्मॉलेस्ट इंटीजर है? एक ही हो सकता है, यहां पे कुछ भी नंबर लिखा रहता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो सेम ही आती है, और वो हो जाएगी वन बाई सिक्स, एक स्मॉलेस्ट है हमारा। तो ये तीनों हमारे आंसर। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे यहां पे बना भी हुआ है। What is the probability that it will point at, जिस तरह यहां पर क्वेश्चन है। ओके, तो क्या हो रहा है कि एक स्पिनिंग एरो है, ये एरो ये ऐसे 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 कस के घूमता रहेगा, कई सारे चक्कर लगाएगा, कितने लगाएगा इससे कोई मतलब नहीं है, और रैंडम स्पीड होगी, सब कुछ रैंडम है इसमें, कुछ फिक्स नहीं है। और ये जो अपना सर्कल है वो फिक्स रहेगा, एरो घूमता रहेगा और घूमते हुए किसी भी नंबर पे वो पॉइंट करेगा, ये गेम है अपना। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 पे पॉइंट करेगा? पहले भाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल वो कितने हैं भाई? 8 नंबर है, तो टोटल 8 हो गए, बस।
अब पी गेटिंग 8 इज इक्वल टू 8 कितने बार है, एक ही बार है तो 1/8 आंसर हो गया, टोटल से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा यहां पे मान लीजिए कि 3 बार 8 लिखा होता, 1 2 8 8 5 6 7 8 तो कितने बार 8 हो जाता था, 3 बार तो तब आंसर 3/8 हो जाता। तो इस तरह से आगे हो सकता है सवाल आपको मिले। अच्छा अब एन ऑड नंबर पी गेटिंग ऑड नंबर, अब ऑड नंबर चाहिए यहां पे, तो देखिए ऑड कौन कौन से हैं टिक कर लेते हैं। एक तो ऑड है 1, दूसरा ऑड है 3, फिर 5, फिर 7, तो कितने ऑड नंबर है, 4 है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, 8 है, तो बस इस बार क्या हो जाएगा 4/8, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर नंबर ग्रेटर देन 9, तो नंबर ग्रेटर देन 9 तो कहीं है नहीं, सारे नंबर लेस देन 9 है। अच्छा सॉरी एक चीज, वैसे इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ पे जो सवाल है अपना वो नंबर ग्रेटर देन 2 है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है बुक में, तो फिर हम लोग उसे ही कैलकुलेट करते हैं, जो एमएल अग्रवाल में दिया हुआ है वही करेंगे। ओके तो नंबर ग्रेटर देन 2, तो 1 और 2 को छोड़कर जितने हैं 6 हैं वो अपने काम के हैं, तो पी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, तो 6/8 हो जाएगा 3/4। अ नंबर लेस देन 9, तो सारे ही नंबर लेस देन 9 है, तो पी गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, सारे ही लेस देन 9 है, तो 8 टोटल भी है, 8 अपने फेवरेबल भी है, तो आंसर हो गया 1। तो हमारे आंसर्स इस क्वेश्चन में 1/8, 1/2, 3/4 और 1 है। देखिए सवाल आपके सामने है, और इस तरह का सवाल थोड़ा सा नया है, और ये भी मैं बोलूंगा कि आप आगे 11th क्लास में जाएंगे या 12th में जाएंगे, कंपटीशन देंगे, तो प्रोबेबिलिटी में ये काफी फेमस सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और फिर आपको इसका सामना करना पड़ेगा। एमएल अग्रवाल बुक में इस तरह के क्वेश्चंस का अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं, और इससे को समझने के लिए एग्जैक्टली आपको मंथ बनाकर देखना चाहिए, तो और चीजें समझ में आएंगी, तो वही करूंगा मैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी मे हैव 5 मंडेज इन अ लीप ईयर और अ नॉन लीप ईयर। अब देखते हैं कि पहले जो जनवरी है हमें ये जानना चाहिए कि उसमें 31 डेज हैं, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, जनवरी की शक्ल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब सबसे पहले बनाते हैं संडे, फिर आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे इधर आ जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों कि जनवरी केवल 7 तरह की हो सकती है, कि एक तारीख जो होगी वो अगर संडे को शुरू हो जाएगा तो एक कैलेंडर बन जाएगा जनवरी का, और अगर एक तारीख मंडे का हो गई तो फिर एक बन जाएगा, इस तरह एक 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 एक, एक जहां से भी शुरू होती है उस तरह से जनवरी की शक्ल केवल 7 तरह से हो सकती है, यानी कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस है उसे हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जनवरी मंथ टाइप्स बोल रहा हूं मैं, या तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कुछ भी कहीं से भी वो वन आ सकता है और उसी हिसाब से अपना मंथ चेंज हो जाए। अब सैटरडे के बाद फिर संडे आएगा तो वो पहला वाला केस रिपीट हो जाएगा, तो ये मैं 7 लिख रहा हूं। तो हर बार हमें मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर कोई एक बार चूज कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड करना होगा। अब मैं चाहता तो 1 से शुरू कर देता, और आप देखिए कि 1 से अगर आप शुरू करते हैं संडे को 1 आ रहा है मान लीजिए, तो 2 3 4 5 6 7 फिर 8
संडे आ गया, फिर मंडे चाहिए हमें, 9 तारीख आ गई। अब आप ध्यान दीजिए कि 7 का डिफरेंस है, तो 2, 9, 16, 23 और उसके बाद 30। हमारा जो मंथ है वो 31 डेज का होता है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे 5 मंडेज आ रहे हैं, तो ये वाला जो हमारा केस है वो काम का है। उसी तरह अब मैं क्या करूंगा कि 1 तारीख फ्राइडे को चलिए ले लेता हूं, ठीक है, कोई रैंडम दिन ले रहा हूं, तो चलिए फ्राइडे को 1 तारीख हो जा रही है, फिर यही संडे मंडे यूज कर रहा हूं, और सैटरडे को 2 तारीख हो जाएगी, 3 तारीख संडे को हो जाएगी, उसके बाद 4 तारीख मंडे को हो जाएगी। अब मंडेज को देखना है मुझे, 4, 7, 11, फिर 11, 7, 18, 18, 7, 25 और 25, 7, 32 है, 32 तारीख तो होती नहीं है भैया, तो 32 ना करें, 31 तो होती है, 31 तक अपना मंथ खत्म हो जाएगा। अब देखिए कि ये वाला जो हमारा कैलेंडर बनेगा, पूरा नहीं बनाया मैंने, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नंबर ऑफ मंडेज है वो केवल 4 ही है, तो ये वाला केस हमारे काम का नहीं होगा। तो हम संडे को शुरू कर चुके हैं, तो ऐसा कर, और फ्राइडे को भी शुरू कर चुके हैं, संडे को काम बन गया है, फ्राइडे को काम नहीं बना है, तो चलो सैटरडे से शुरू करते हैं। चलिए भाई, शायद ये आप समझ सकते हैं कि अगर 1 तारीख फ्राइडे को है तो वो हमारे काम का केस नहीं है। चलिए भाई, अब की बार फ्राइडे से शुरू करने के बाद हम लोग सैटरडे से शुरू करते हैं। चलिए भाई, सैटरडे को 1 तारीख है, फिर संडे को 2 तारीख है, मंडे को 3 तारीख है, मंडे को अगली बार जो होगी वो 10 तारीख होगी, 10, 7, 17 होगी, 17, 7, 24 होगी और फिर 31 होगी। 5 मंडे आ गए, काम चल गया हमारा। फिर उसके बाद चलिए हम लोगों ने संडे को भी शुरू कर लिया और मंडे को शुरू करके देख लेते हैं। मंडे को शुरू करेंगे तो 1 हमें मंडे को ही मिल जाएगा, तो काम बनना चाहिए हमारा। 1 तारीख मंडे को है और फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद 7। चलो भाई, 8 तारीख को भी मंडे होगा, 15 तारीख को भी मंडे होगा, उसके बाद 22 तारीख को भी मंडे होगा और उसके बाद 31 तारीख को, 29 तारीख को भी मंडे होगा। अब देखिए यहां पे भी हमें 5 दिन मिल चुके हैं, तो ये भी हमारे काम का केस है। इस तरह बच्चों आप सारे बना के देखिएगा, मेरा कहना ये होगा, जैसे मैंने फ्राइडे वाला रिजेक्ट किया है वैसे आप बाकी भी रिजेक्ट करके देखेंगे। तो संडे को हमारा काम चल गया, अगर 1 तारीख संडे को है तो अपना केस इंक्लूड हो जाएगा, 1 तारीख सैटरडे को है तो इंक्लूड हो जाएगा, 1 तारीख मंडे को है तो भी इंक्लूड। आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग 31 जैसे ही हम लोग ट्यूजडे से शुरू करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो ये तरीके होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि कब कब अपना इंक्लूड हो सकता है। तो काम के हमारे केस कितने होंगे, 3 होंगे। टोटल नंबर ऑफ जनवरी मंथ्स टाइप्स जो है वो 3 है। नंबर ऑफ जनवरी मंथ्स, विद 5 मंडेज हो जाएंगे 3, जो भी हम लोगों ने हमारे सामने बने भी हुए हैं। तो इसका मतलब है देयरफोर पी 5 मंडेज, पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, 5 मंडेज इन अ लीप ईयर हो जाएगा 3/7। और दूसरी बात ये मैं बोलूंगा, क्योंकि लीप ईयर का चेंज जनवरी में नहीं फरवरी में रिफ्लेक्ट होता है, तो जनवरी तब भी वैसी ही दिखेगी, लीप ईयर हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जनवरी सेम ही रहेगी, क्योंकि जनवरी में 32 दिन नहीं होते कभी भी, है ना, तो या ना ही जनवरी में कभी भी 30 दिन होते हैं। तो पी 5 मंडेज तब भी वही आंसर आएगा हमारा इन अ नॉन लीप ईयर, ये आ जा रहा है 3/7। तो ये दोनों हमारे आंसर। ओके, क्वेश्चन हमारे सामने है, इस बार फेब्रुअरी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ फेब्रुअरी मे हैव 5 वेडनेसडेज इन अ लीप ईयर एंड अ
नॉन लीप ईयर। अब इस बार बच्चों फर्क पड़ेगा भाई कि फरवरी जो होगी वो लीप ईयर में होगी 29 डेज की और नॉन लीप ईयर में होगी 28 डेज की। फिर से कैलेंडर बनाना चाहूंगा मैं, और कहां से शुरू करते हैं हम लोग, संडे से। संडे को लाल रखते हैं भाई, संडे बढ़िया दिन होता है, उस दिन छुट्टी मिलती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। चलो भाई अब हम चाहते हैं कि भाई मान लो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, लीप ईयर वाला कर रहे हैं, और हम चाहते हैं पांच वेडनेसडे हों, तो पांच वेडनेसडे होंगे तो एक तारीख में सीधे वेडनेसडे को ही ले रहा हूं, क्योंकि एक से अगर शुरू करेंगे तो 29 आने की 29 लास्ट में आए और उसको लेते हुए फाइव वेडनेसडे हो, इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि एक तारीख तो पहले ही एक वेडनेसडे तो कम से कम हमने एक्स्ट्रा कर ही लिया है ना। फिर अगली 8 तारीख होगी, उसकी अगली 15 तारीख होगी, उसकी अगली 22 तारीख होगी, उसकी अगली 29 तारीख होगी। मान रहे हैं कि हम लोग लीप ईयर कर रहे हैं, तो देखिए लीप ईयर में 29 डेज की फरवरी है तो पांच वेडनेसडेज यहां पे पॉसिबल हैं। लेकिन आप अगर ध्यान दें कि अगर हमारा वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को एक तारीख होती तो फिर पांच ट्यूसडे हो जाते, और यहां पे 29 आता और यहां पे 30 लाना पड़ता, तो हमारे पांच वेडनेसडे नहीं हो पाते, क्योंकि 30 तारीख तो होती ही नहीं है भाई फरवरी में। अच्छा चलो मान लो कि इस तरफ करते, एक तारीख थर्सडे को होती, फिर 1, 8, 15, 22 और 29 पांच थर्सडे तो हो जाते, लेकिन फिर वेडनेसडे को 0 तारीख होनी पड़ती, तो 0 तारीख तो होती नहीं है, तो उस केस में भी पांच वेडनेसडे नहीं होते, पांच थर्सडे जरूर हो जाते और वेडनेसडे 4 ही रह जाते। इस तरह आप सारे केसेस अगर बना के देखेंगे तो जिस भी दिन को आप 1 तारीख देंगे वो वाला डे तो 5 हो पाएगा, बट हर बार 5 वेडनेसडे नहीं हो पाएंगे, केवल एक ही केस होगा जहां पर 5 वेडनेसडे हो सकता है, वो आपके सामने बना हुआ है। तो अब थोड़ा थियोरेटिकली इसको लिखते हैं कि भाई एग्जाम में यही आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो लिखिए देयर आर 7 वेज इन विच द मंथ ऑफ फरवरी कैन अकर। ठीक है भाई, ईच स्टार्टिंग विद अ डिफरेंट डे ऑफ द वीक। मतलब ये कह रही है ये लाइन की 7 तरीके से फरवरी बन सकती है, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1 तारीख सबको पकड़ा दो तो 7 कैलेंडर हमारे पास आ जाएंगे। तो पहला पार्ट मतलब इससे तो एक ये हो गया कि भाई टोटल जो हमारा आ रहा है वो 7 पक्का हो जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व कर रहे हैं लीप ईयर वाला, तो यहां पे लिखेंगे फॉर 5 वेडनेस डेज टू अकर ओनली 1 वे इज पॉसिबल एज शोन। दिस इज पॉसिबल ओनली इन अ लीप ईयर विद फरवरी हैविंग 29 डेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है यहां पर कि भाई ये तभी संभव है, पांच वेडनेसडेज तभी आएंगे जब 29 डेज हो या लीप ईयर हो, वरना अभी देखिए 28 वाला केस भी बनाकर देखेंगे। तो बस इतना ज्ञान पाने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि पी फेब हैविंग 5 वेडनेसडेज
इन अ लीप ईयर क्या हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या पॉसिबल है कि फरवरी कैसी शक्ल लेके आ सकती है, 7 शक्लें लेके आ सकती है, तो डिवाइड बाय 7 करेंगे। और अभी हम लोगों ने देखा कि केवल एक ही केस पॉसिबल है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1/7। अब दूसरा वाला केस लेते हैं, यहां पे देखिए फिर से मतलब इसी डायग्राम को यूज करूंगा मैं। इस बार देखिए हमारी मान लीजिए वेडनेसडे, हम 5 वेडनेसडे चाहते हैं, तो 1, 8, 15, 22 और उसके बाद 23, 24, 25, 26 लाल से बना देते हैं भैया, संडे बढ़िया दिन होता है, और उसके बाद 27, 28 और 29 तो आएगा नहीं क्योंकि नॉन लीप ईयर है। तो इस बार हमारे पास 4 ही वेडनेसडे कर रह जाएंगे, तो किसी भी तरीके से हम करें अगर 28 दिन की फरवरी है यानी नॉन लीप ईयर है, तो उस केस में हमें 5 वेडनेसडे आ ही नहीं पाएंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें, जीवन भर बनाते रहेंगे फरवरी का मंथ, जीवन भर उस फरवरी का वेट करते रहेंगे जिसपे 5 वेडनेसडे हो, कभी नहीं आएगी वो, क्योंकि मंथ ही 28 है, तो वहां तक हम लोग कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे कि 5वां वेडनेसडे आ जाए। उस केस को भी भाई लिखना सीख रहे हैं थोड़ा थ्योरेटिकली, बच्चों एग्जाम में आता है ये, तो क्या लिखेंगे, इन अ नॉन लीप ईयर नो फेब्रुवरी मंथ हैविंग 28 डेज इज पॉसिबल विच has 5 वेडनेसडेज, मतलब 5 वेडनेसडे वाला कोई फरवरी मंथ नहीं है जिसके 28 डेज, मतलब अगर फरवरी मंथ है तो 28 दिन का ही होगा अगर नॉन लीप है तो उसमें 5 वेडनेसडे हो वो आएगा ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, लेकिन तब भी हम 0/7 करके करेंगे। देयरफोर पी फेब हैविंग Wednesdays, having 5 Wednesdays was over, बच्चों having 5 Wednesdays in a non-leap year, क्या हो जाएगा 0/7, तो आंसर आपका आ जाएगा 0। तो ये दोनों टिक वाले 1/7 और 0 आपके आंसर। Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2 IITians. 16 cards are labeled as ABC till MNOP. मतलब 16 कार्ड हैं, उनमें नाम लिखे हुए हैं ABC से लेकर P तक. They are put in a box and shuffled. A boy is asked to draw a card from the box. What is the probability that the card drawn is a vowel, a consonant, none of the letters of the word median? तो एक एक करके करते हैं तीनों को, और सबसे पहले cards को, मतलब सब में नहीं बना रहा हूं card, लेकिन S type का है B, फिर ऐसा card है ना, A B C D E F G H I J K L M N O P, है ना, इतने कार्ड हमारे पास हैं। अब इन्हें शफल किया गया, कोई ऑर्डर नहीं है, बॉक्स में रखे हुए हैं, किसी को पता नहीं है कि कोई कार्ड निकाला जाएगा तो कौन सा होगा, ये शफलिंग का मतलब है। अब आपको बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो वॉवेल हो, तो अब देखिए वॉवेल यहां पर क्या क्या है, ए ई I O U होते हैं, है ना वॉवेल, लेकिन यू तो यू तक पहुंचे नहीं है, इसलिए 4 वॉवेल हमारे पास है। टोटल कितना है, टोटल है 16, टोटल कितना है 16 कार्ड दिए हुए हैं, यहां पे आप गिन लीजिए 5 3 15 और 8 16, है ना, तो टोटल 16 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस तो अब आप इतना ही बना के लिख दीजिए और ऐसे मार्किंग कर दीजिए, सब कुछ ब्लैक पेन से भी आप कर सकते हैं, और पी
card drawn is a vowel. Probability of card drawn is a vowel, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? कितने cards हैं? काम के हमारे number of useful events 4 और total कितना है? 16, तो हो गया 1/4. बस part 1 का हमारा यही answer हो गया. चलिए part 1 कर लिया हम लोगों ने है. अब probability of drawn card is a consonant ये निकालना है. तो अभी भी पिछले क्वेश्चन का यूज कर रहे हैं भाई. वॉवेल्स तो हमने मार्क कर रखे हैं कितने 4, तो जो बचे क्या वो कॉन्सोनेंट हैं. कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? वो हैं 12. तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट कार्ड विल बी 12/16 यानी कि 3/4. तो पार्ट 2 का भी आंसर हम लोगों ने कर लिया. ये हो गया 3/4 और पार्ट 2 लिख देता हूं. ये हो गया. थर्ड वाला थोड़ा सा थॉटफुल है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट द कार्ड ड्रॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन. पहले वर्ड मीडियन को चेक कर लेते हैं. ये है हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन. ये हमारा सैंपल स्पेस है. उसमें मीडियन के लेटर नहीं होने चाहिए. तो यानी कि M नहीं होना चाहिए, E नहीं होना चाहिए, D नहीं होना चाहिए, I नहीं होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए, N नहीं होना चाहिए. बहुत अच्छी बात है कि सारे 2, 2, 4, 2, 6 सारे इसमें ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. यानी कि हमारे पास none of the letter है ना. तो लेटर मीडियन ना हो तो जो नहीं है वो काउंट कर लीजिए. तो 16 में से 6 माइनस हो गया तो 10 बचा हमारे पास. तो हमारे पास यूजफुल इवेंट्स कितने हैं? 10 है. फिर से ध्यान दीजिए कि लेटर मीडियन वर्ड मीडियन के लेटर्स ना हो तो बी नहीं है. तो बी हमारे काम का है बट ए हमारे काम का नहीं. तो जिसमें कटम लगा हुआ है, कटा लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है वो आपके काम का नहीं है. जिसमें क्रॉस नहीं लगा हुआ है वो आपके काम का है. तो ये सब आप काउंट करेंगे तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 आपके काम के हैं. तो बस यही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज नॉट या इज नन, यही लिख दो यार, इज नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन. ठीक है. तो बस अब इसमें हमारे काम के कितने हैं? 10 डिवाइडेड बाय 16 तो आंसर आ गया हमारा 5/8. और कुछ लोग क्या कर सकते हैं, करते हैं कि उल्टा भी करके लिख सकते हैं. अभी एक चीज बताता हूं आपको. पहली बात तो ये आंसर हो गया है. अब ये सवाल सॉल्यूशन खत्म हो चुका है. ये पार्ट 3 था. अब जो बात मैं कर रहा हूं, कुछ लोग क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया है. पी कार्ड ड्रॉन इज नॉट द वर्ड ऑफ मीडियन, नॉट द लेटर ऑफ मीडियन, या यही बात दोबारा आप लिख सकते थे, इज इक्वल टू 1 - p कार्ड ड्रॉन इज अ लेटर ऑफ मीडियन. ऐसा कर सकते हैं, है ना. इज इक्वल टू 1 - तो कितना कर देते हैं हम लोग, 1 - 6 फिर काम का हो जाता. तो 1 - 6/16 तो ये हो जाता. तब भी यही आ जाता 10/16 यानी कि 5/8. तो ये भी एक तरीका है करने का. लेकिन आप अगर यहां अपनी काउंटिंग दिखा देते हैं और ये लिख देते हैं तो ज्यादा सही है. ये थोड़ा बुक में मैंने देखा है.
इस टाइप भी किया है लोगों को, बट मैं मानता हूँ कि इस तरह करना, ऐसे कौन पकड़ना है, तो वो सही नहीं है, वो मतलब बहुत सही नहीं है, मतलब सही तो है। चलिए, चोजन बिटवीन 0 to 100, बिटवीन एंड होता है, एंड लिखना चाहिए हम लोगों को यहाँ पे, बिटवीन 0 and 100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट डिविजिबल बाय 7। प्लीज याद रखिए बच्चों, जब फ्रॉम 0 to 100 होता तो 0 और 100 को हम लोग केसेस में इंक्लूड करते, लेकिन जब बिटवीन 0 and 100 है तो जो हमारे काम के नंबर्स हैं वो 1, 2, 3, 4, ...99 तक है। तो टोटल केसेस अपने कितने हैं? 99। अब उसमें पूछा गया है कि भाई हमें डिविजिबल बाय 7 वालों को यूज करना है, तो डिविजिबल बाय 7 कितने होंगे वो देख लेते हैं। 7 का आप टेबल लिख लीजिए, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 और उसके बाद 91 और 98। अब आगे जाएंगे तो 100 पार हो जाएगा, हमारी जो फाइनल लिमिट है वो 99 है। तो अच्छा बच्चों, छोटे नंबर लिखे हो तो आप नंबर लिखकर बना लीजिए आराम से, बहुत बड़ा नंबर यहाँ मान लीजिए 10,000 होता तो आप बच्चों एबीजीपी पढ़ चुके हैं विजय सर से, तो उनके जो वीडियोस हैं उनको रेफर करिए और एपी लगाइए तो आंसर आपका एपी से आ जाएगा। बट जितने भी एमएल अग्रवाल में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं उनमें सब 100 के आसपास ही नंबर है, तो मैं लिख कर करना पसंद करता हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चा केवल प्रोबेबिलिटी कर रहा है, उसे एपीजीपी नहीं आता। अच्छा तो अब इतने नंबर हैं जो हमारे काम के हैं, काउंट कर लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, तो 14 नंबर्स हैं जो हमारे काम के हैं, तो ये यूजफुल है, तो देयरफोर पी डिविजिबल बाई 7 को हम लोग लिखेंगे, भाई टोटल कितना है 99 है और काम के कितने हैं 14 है, बस ये अपना आंसर हो गया। अब अगला पार्ट है नॉट डिविजिबल बाई 7, तो पी नॉट डिविजिबल बाई 7 इज इक्वल टू 1 माइनस पी डिविजिबल बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 14 बाई 99, तो ये हो जाएगा 85 बाई 99, तो ये अपना हाँ। तो देखिए बच्चों, कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 1, 2, 3, 4 से लेके 20 तक are well shuffled and a card is drawn at random, what is the probability that the number on the card is a prime number? चलो भाई देखते हैं। भाई 1 से लेके 20 तक नंबर है, मैं क्या कर रहा हूं कि कमी नंबर है तो लिखे ही ले रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है भाई। अब इसमें हमें पहला वाला जो क्वेश्चन है वो बताना है प्राइम नंबर वाला, एक चीज तो मैं लिखूंगा कि भाई टोटल कितना है 20, तो प्राइम नंबर वाले कौन कौन है ध्यान रखिए कि प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11, 13, 15 नहीं होता है, 17, 19 जितने टिक लगे हैं उतने प्राइम नंबर है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हमारे काम के हैं, तो बस प्रोबेबिलिटी प्राइम क्या हो रही है 8 काम के हैं, टोटल 20 है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 बाई 5। डिविजिबल बाई 3 देख रहे हैं, तो पहले जो टिक लगे उन्हें हटा देता हूं मैं, डिविजिबल बाई 3 कौन कौन से नंबर है, 3 छोड़ दिया मैंने, 3 है डिविजिबल बाई 3, जो भी 3 के टेबल में आएंगे 6, 9, 12, 15, 18, 21 है नहीं हमारे पास, तो ये सारे डिविजिबल बाई 3 है, तो आ जा रहा है P
डिविजिबल बाय 3 कैसे होगा? टोटल तो 20 ही रहेंगे और यहां पे 6 है, आप 2 से डिवाइड करिए तो 2 3 जा 6, 3 बाय 10 हमारा आंसर हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ऐसे टिक करने से अच्छा है कि हम लोग लिख ही लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। चलो तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, एक तो हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अपने काम का नहीं है। तो 1, 4, 9 और 16 चारों यहां पर हैं, तो चार काम के हो गए हमारे। तो P परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहे हैं कितने, चार काम के हैं, टोटल 20 है, तो आंसर हमारा आ रहा है 1/5। तो अब इस क्वेश्चन में हमें प्राइम नंबर अगर पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी 2.2/5 है और डिविजिबल बाय 3 है तो प्रोबेबिलिटी 3/10 है, और अगर हमें 20 में से परफेक्ट स्क्वायर देखने हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/5। अ बॉक्स कंटेन्स 25 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 25। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज इवन। तो अब बहुत आसान है ये सवाल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सारे जो अवेलेबल नंबर है मैंने लिख लिए है। टोटल अपना कितना बन रहा है 25, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है 25। अब आपको बोलना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या है, तो उसको पी इवन लिखते हैं। बहुत आसान है बच्चों, अगर आप यहां पे जो इवन नंबर है उन्हें काउंट करें तो इवन नंबर हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। ऊपर 5 है, यहां पे भी 5 ही होंगे, आप ध्यान से देखें, 5, 5, 10, 11 और 12, तो 12 इवन नंबर्स हैं यहां पे। तो बस P इवन कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये हो जाएगा 25, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर आपने सेकंड पार्ट पे P मल्टीपल ऑफ 6, ये तो और आसान है, मल्टीपल ऑफ 6 है, चलिए रेड से मार्क कर लेता हूं, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। देखिए मस्त आ रहा है, बिल्कुल इंक्लाइंड में है ना। तो चार हमारे काम के हैं, चार काम के हैं, टोटल 25 है, हो गया। अब आता है प्राइम, प्राइम नंबर की वजह से ही सर एक काम करिए, सर्कल ही कर दीजिए उनमें, क्योंकि पॉइंट बहुत छोटा लग रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जो मल्टीपल ऑफ 6 है और उनके जो काम के, अच्छा बच्चे आप सर्कल बोल रहे हैं तो सर्कल कर लेता हूं। मल्टीपल ऑफ 6 के काम के जो नंबर है वो ये है, और उसके बाद अब हमें प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर के लिए फिर से हमें अपने सर्कल्स मिटाने पड़ेंगे। एक चीज बच्चे और ध्यान रखिए कि मतलब अगर प्राइम नंबर ढूंढने हैं तो कोई एपी जीपी आप नहीं लगा पाएंगे, प्राइम नंबर के लिए आपको जो गिवन नंबर से उन्हें लिखना ही पड़ेगा और उनमें बैठकर एक एक करके प्राइम को ढूंढना ही पड़ेगा। सच बात पूछिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग एपी जीपी से करके इवन और मल्टीपल ऑफ 6 तो लिख लेते, लेकिन फिर भी हम लोग प्राइम नंबर के लिए हमें लिखना ही पड़ता, इसीलिए थर्ड पार्ट के लिए मैंने पहले से ही सारे नंबर लिख लिए थे। तो 11, 12, 17, 18, 23, 24। अब प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन से है, बच्चे ने बोला है सर्कल करना है, सर्कल कर देंगे। सर्कल है कौन सा, पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा है 3, फिर है 5, 9 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 11, फिर उसके बाद 13, 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा।
तो इतने जितने सर्कल्ड हैं ये हमारे प्राइम नंबर है, कितने होंगे, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 नौ प्राइम नंबर हमारे पास है 1 से लेकर 25 के बीच में, तो 9/25 हो जाएगा प्राइम नंबर। जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें अभी कितने सारे मतलब हमारे पास आंसर है, पहले वाले का आंसर 12/25, दूसरे वाले का 4/25 और थर्ड वाले का 9। बॉक्स कंटेन्स 15 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 15, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज odd prime divisible by 3, divisible by 3 and 2, both divisible by 3 or 2, a perfect square। देखिए ये important है यहाँ पे कि आप इन दोनों का अंतर समझे, और बाकी odd number क्या होते हैं ये आप अच्छे से जानते ही हैं। first part को solve करना शुरू करते हैं। पहली बात तो total यहाँ पे 15 है, तो हर बार हम लोग 15 से divide करेंगे। p odd calculate करना है हमें, p odd divide by 15 हो रहा है क्योंकि total 15 है। ऑड कौन कौन से हैं, बड़ा आसान है यहां से समझना, 1, 3, 5, 11, 13, 15 और 7 और 9, 3, 3, 6, 2, 8 चीजें ऑड हैं यहां पर, तो डिवाइड 8/15 हमारा आंसर है। उसी तरह पी प्राइम, प्राइम के लिए मैं हमेशा बोलता हूं प्राइम अगर सॉल्व करना है तो सारे जो एंटिटीज हैं वो आपको लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्राइम का कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई सीरीज नहीं होती है प्राइम की। ओके, जो कॉमन डिफरेंस हो या कॉमन रेशियो ऐसा कुछ नहीं होता, तो पी प्राइम क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, तो कितने प्राइम नंबर हो गए, 5, 1, 6। उसके बाद अब देखते हैं डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से हैं, डिविजिबल बाय 3 होंगे 3, 6, 9, 15 और 12, तो कितने सारे हो गए, 2, 2, 4, 8, 5, 5 चीजें डिविजिबल बाय 3 है, तो p डिविजिबल बाय 3 हो जाएंगे कितने, 5/15, ये हो जाएगा 1/3। ये इंपॉर्टेंट है डिविजिबल बाय 3 एंड 2 बोथ। बच्चों कोई चीज में अगर एंड लगा हो तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो 3 से भी डिविजिबल हो और 6 और 2 से भी डिविजिबल हो, सॉरी, तो ऐसे केस में 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग 6 से डिविजिबल वाला देख लेते। तो 6 से डिविजिबल वाले कौन कौन से हैं, 6 खुद और 12 और 18, लेकिन अपने काम का नहीं, तो केवल यही दो नंबर हैं जो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से, मतलब ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो 3 और 2 के एलसीएम से डिविजिबल हो एक तरीके से, ये सोचना ठीक रहेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, p डिविजिबल बाय 3 एंड 2 वाला आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही हमारे काम के हैं, डिवाइडेड बाय 50। उसके बाद p डिविजिबल बाय 3 और 2, मतलब 3 से डिविजिबल हो तो भी काम चल जाएगा, 2 से डिविजिबल हो तो भी काम चल जाएगा, तो 6 और 12 तो हमारे काम होंगे। पहले 3 से डिविजिबल वाले देख लेते हैं, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया और 12 हो गया। फिर 2 से डिविजिबल वाले देख लेते हैं, सारे जो इवन वाले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 तो हो ही चुका है जो 3 से डिविजिबल है। अब कितने काम किए हमारे पास, 3, 3, 6, 1, 7, 3, 10 काम किए हो गए, तो 10/15 हमारा यहाँ पे आंसर हो रहा है, तो जो कट कर हो जाएगा 2/3। अब की बार सवाल है हमारा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बनाने के लिए इट्टे खटा दे रहा हूं मैं, ताकि कौन सा सवाल कब चल रहा है ये आप मैच कर पाए। ओके, तो
अब है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का सवाल। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं शुरू कर लेते हैं। वन का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 जो कि 15 से ज्यादा है। तो काम के केसेस यहाँ पे हमारे पास 3 हो गए। प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 15, ये हो गया 1/5। तो जो भी हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उस हिसाब से आंसर हमारे ये 8/15, 6/15, 1/3, 2/15, 2/3 और 1/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20 are kept in a bag. A card is drawn at random from the bag. Find the probability of getting a card which is a prime number, number divisible by 4, number that is multiple of 6 and an odd number. तो अब देखिए एक कॉमन बात यहां पर क्या है कि टोटल जो नंबर है ये अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 10 है गिनती में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सैंपल स्पेस है हमारा उसमें एनएस आ रहा है 10 और ये एनएस 10 सभी जगह काम आएगा। प्राइम नंबर्स देख लेते हैं क्या क्या है। प्राइम नंबर देखिए देखने में लग रहा है कोई नहीं है बट एक नंबर ऐसा है 2 जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो प्राइम नंबर हमारे पास 1 है। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, यहां से हमारा जो इवेंट हो रहा है ne, इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, उसका ne नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन e आ जा रहा है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, ne डिवाइडेड बाई ns। ne क्या है 1 और ns तो हमेशा ही 10 रहने वाला है। हमारा प्राइम नंबर वाला प्रोबेबिलिटी 1/10 आ रही है। अब उसके बाद अ नंबर डिविजिबल बाय 4, तो इस बार जो एलिमेंट्स हैं थोड़े से ज्यादा होंगे। डिविजिबल बाय 4 में क्या आ जाएगा, 4, 8, 12, 16 और लास्ट वाला 20 भी आ जाएगा। तो यहां से हम लोग बोलेंगे देयरफॉर एन ई। अब ये वाला इवेंट हो गया कि अ नंबर डिविजिबल बाय 4, तो यहां पे कितने हो जा रहे हैं 5 और ns हमेशा 10 होगा। देयरफॉर p अ नंबर डिविजिबल बाय 4 इस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ne डिवाइडेड बाय ns, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 ये हो जा रहा है 1/2। और आगे देखते हैं अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के मल्टीपल क्या क्या है, 6 खुद, 12 और 18। तो अब यहां पर हमारे पास p प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, इसके लिए फिर बहुत आसान है। कितने एलिमेंट्स हैं यहां पर, ne कितना हो रहा है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई जो भी आपका ns है वो 10, तो ये हो जाएगा बस 3/10 ही रहेगा, कुछ भी यहां आगे कैंसिल नहीं होगा। तो बॉक्स में जो है वो हमारे आंसर्स हैं। उसके बाद p ऑड कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑड नंबर्स यहां पे तो अरे कोई भी नहीं है, तो देयरफॉर ne इज इक्वल टू 0। तो p ऑड जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 0 डिवाइडेड बाई 10, तो ये इसका आंसर है 0। कार्ड्स मार्क विद नंबर 13, 14, 15 अप टिल 16 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थरली। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 5 और अ परफेक्ट स्क्वायर। दो सवाल है यहाँ पर 1 and 2 करके। सारे नंबर मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि कोई भी सवाल हमारा प्राइम नंबर वाला नहीं। अब ये नंबर ऑफ नंबर्स यहाँ पे कितने हैं, या नंबर ऑफ कार्ड्स अगर बोले तो कितने हैं, वो हो जा रहे हैं 16 - 12, 48। अरे यहाँ तो 13 लिखा मैंने, 12 काय कर दिया। अच्छा बच्चों गिनने का सही तरीका क्या है, अगर लगातार नंबर है, मान लीजिए कि
25, 26, 27, 28. कितने नंबर दिखाई दे रहे? 4. लेकिन आप 28 को से अगर 25 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन नंबर 4 है. इसलिए जो हमारा हाइपोथेटिकल नंबर है 24, जो इसके पहले है, उसको आप माइनस करिए तो आंसर 4 आ जाएगा. वही काम मैंने यहां किया है, 60 में से 13 ना माइनस करके 60 में से मैंने 12 माइनस किया है, जो कि लिस्ट में है ही नहीं. तो हमारे टोटल कितना आ जा रहा है? 48. अब बस डिविजिबल बाई 5 के लिए नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, 5, 10, 15, 20. अब देखिए 5 और 10 तो है ही नहीं लिस्ट में, हटा देते हैं उनको. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60. भाई 60 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो लास्ट में है. अब 65 पे जाएंगे तो हमारे काम का नहीं होगा. अब कितनी एंटिटीज आ गई, कितने इवेंट्स आ गए? 10 आ गए. और टोटल इवेंट्स कितने हैं? 48. तो बस P divisible by 5 हम लोग मान लेंगे 10 divided by 48. अब ये 2 से कट रहा है तो 5 by 24, यही हमारा आंसर है. अब की बार देखिए परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, टोटल 48 अब भी रहेगा. परफेक्ट स्क्वायर के लिए काम के जो नंबर है वो 1 से हम लोग नहीं शुरू कर पाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, काम का नहीं है. 2 का स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16. तो 16 अब लिस्ट के अंदर आ गया, 16 को इंक्लूड करेंगे, बाकी सब हमें चाहिए ही नहीं. 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64. अब फिर से हम लोग लिस्ट के बाहर जा चुके हैं, तो काम के नंबर हमारे पास कितने हैं? 4. तो बस P परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा कितना? 4 डिवाइडेड बाय 48, जो हो जाएगा 1 by 12. तो यही हमारा आंसर है. नंबर 3, 5, 7, 9 अप टिल 29 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थरली. चलिए नंबर्स को बना देते हैं. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28 और 29. तो ये सारे हमारे नंबर्स हैं जो टिकट पे पड़े हुए हैं, सारे ऑड नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं. टोटल इनको काउंट करते हैं तो ये आ रहे हैं 14. अब इनमें से प्राइम नंबर हमें चाहिए. तो टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट इज प्राइम. चलो तो प्राइम कौन से है भाई? 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं है, 17, 19, 21 नहीं है, 23, 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29 है. तो अब 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9 नंबर हैं जो हमारे पास प्राइम हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं पी प्राइम इज इक्वल टू 9 केसेस हमारे काम के हैं, टोटल हमारे पास 14 है. तो आंसर हमारा आ रहा है 9 by 14. अब अ नंबर लेस देन 16, तो नंबर लेस देन 16 के लिए बड़ा आसान है. 17 है ही यहाँ पर हमारे पास, 16 गायब है. तो नंबर लेस देन 16 कौन से है? बस ऊपर वाली जो लिस्ट है. तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं P नंबर लेस देन 16 क्या हो जाएगा? कितने हैं हमारे पास? 7 नंबर्स हैं, आप काउंट करें तो 7 और टोटल कितना है? 14. तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जा रही है 1 by 2. अब की बार अपना सवाल है नंबर डिविजिबल बाय 3. तो डिविजिबल बाय 3 कौन से है? 3, 9, 15, उसके बाद 21 और 27. तो कितने काम के हो गए? 3, 2,
5, तो अब की बार 5 बच्चों काम के हो गए, तो हम लोग लिखेंगे P नंबर डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू कितने इवेंट्स काम के हैं, 5 डिवाइडेड बाय 14, यही हमारा आंसर है। तो ये तीनों हमारे आंसर है जो पूछा गया है। देखिए बच्चों, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। ये सारे तीन केसेस आपके सामने हैं, तीन क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं, डिस्क है और 1 से लेकर 90 तक गिनती है उसमें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसी तरह 11 से लेके यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, इतने सारे नंबर हैं, इतनी सारी डिस्क है, तो टोटल हमारे पास कितना है, 90 है। अब टू डिजिट नंबर चाहिए, तो टू डिजिट नंबर करने से के लिए हम लोग देखते हैं कि इतने डिजिट वन डिजिट है और बाकी सारे टू डिजिट है। टोटल 90 है, उसमें से वन डिजिट है 9, तो 90 में से 9 चला गया तो बचा 81, यानी कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स कितने हैं, 90 माइनस 9, ये हो गया 81, और टोटल हमारे पास 90 है ही, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा भाई, 81 हमारे काम के केस है, टोटल 90 है, तो अब ये 9 से आप इसे कट कर दीजिए, आंसर हो गया हमारा 9/10। अब आगे आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसमें देखने से अच्छा है कि हम लोग खुद ही बना के देख लें परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकते हैं। आप देखिए बच्चों, एक तो 1 square 1 हो जाएगा, 2 square 4 हो जाएगा, 3 square 9 हो जाएगा, 4 square 16 हो जाएगा, 5 square 25 हो जाएगा, 6 square 36 हो जाएगा, 7 square 49 हो जाएगा, 8 square 64 हो जजाएगा, और 9 square 81 हो जाएगा, 10 square अगर करते हैं तो 100 आ जाएगा, लेकिन वो 90 को पार कर जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर जो इसके अंदर अवेलेबल है वो केवल इतने ही है, कितने, 5, 4, 9। तो इसी तरह देयरफोर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, काम के केसेस हमारे पास है कितने, 9, टोटल केसेस कितने हैं, 90, आंसर हो गया 1/10। अब नंबर डिविजिबल बाय 5 देख रहे हैं बच्चों, वो भी इधर ही बना लेते हैं। डिविजिबल बाय 5 में काफी सारे आएंगे, एक तो 5 यहां दिख ही रहा है, 5 के टेबल को हमें लिख लेना होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो हमारे पास इतने केसेस हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 और 18। तो 18 केसेस ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 5 है। देयरफोर P नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 18 केसेस हमारे काम के हैं, टोटल केसेस देख रहे हैं आप 90 ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5। तो अगर ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं तो टू डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी 9/10, परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी 1/10 और नंबर डिविजिबल बाय 5 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 2, 2, 101 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थरली। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड। फिर उसके बाद ये चार सवाल हैं आपके सामने।
ओके तो दो से लेके 101 है तो टोटल कार्ड्स हमारे पास भाई वन से लेके 101 होते तो 101 कार्ड होते, लेकिन स्टार्टिंग टू से हो रही तो वन वाला कार्ड हट गया तो हमारे पास कार्ड कितने हैं 100। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं कितने 100। ठीक है भाई, अब इवन नंबर कितने होंगे तो आप देख सकते हैं कि 2, 4, 6 डॉट 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 100 आखिरी जो इवन नंबर होगा वो 100 होगा। यहां पर भाई मैं एबीजीपी लगा रहा हूं, जो लास्ट टर्म है वो 100 है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है तो लास्ट टर्म 100 है, फर्स्ट टर्म 2 है, एन माइनस वन हमें पता नहीं है, एन मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस अपना 2 है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो एन इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो यानी इवन नंबर्स हमारे पास कितने हैं 50 है। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ जाएगा 1/2। डिवाइड बाय 100 क्यों किया बच्चों, क्योंकि टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 100। इसको लगभग हर क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ेगा। नंबर लेस देन 14, लेस देन 14 में यानी 14 इंक्लूड नहीं होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 हमारे काम का नहीं है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 6, 12 एंट्रीज हमारी हैं जो कि लेस देन 14 होंगी, तो देयरफॉर पी नंबर लेस देन 14 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, काम के यहां पे नंबर है 2, 2, 4, 2, 6, 6, 12, फिर हम लोग टोटल से डिवाइड करेंगे 100, 4 से कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ गया 3/21। नंबर ऑफ कार्ड्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बस परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी यही काम किए थे कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको लिख लीजिए, लिस्ट डाउन कर लीजिए। तो क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन वो देखिए 2 से शुरू हो रहा है तो 1 अपना काम का नहीं है, लेकिन 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं जो 2 से लेके 100 तक की गिनती की लिस्ट में है, वो यहां पर आपके सामने लिस्टेड है। तो 4, 4, 8, 1, 9 नौ नंबर्स ऐसे हैं बच्चों जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो बस therefore p परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 काम के, टोटल कितने हैं, फिर हम लोग टोटल कार्ड से डिवाइड करेंगे 9/100। अब प्राइम नंबर लेस देन 30, प्राइम नंबर लेस देन 30 है तो हमें भाई जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखना पड़ेगा। पहला प्राइम नंबर बच्चों हम लोगों का 2 है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है, जो खुद से डिवाइड होते हो या फिर 1 से डिवाइड होते हो। तो 2, 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो हम लोग पहुंचेंगे 5 में, 7, 9, 11, 13। ओ हाँ, बच्चे ने सही बताया, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 15 नहीं है, 17, 19, 21 नहीं है, 23, 27 नहीं है, 29। तो इतने हमारे पास नंबर है जो कि प्राइम है, और गिन लेते हैं 4, 4, 8, 2, 10। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर हो जाएगा, काम के कितने इवेंट्स है हमारे पास 10, 10/100, फिर से 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा आ रहा है 1/10।
तो अगर ये कार्ड्स 2 to 101 मार्क्ड है तो उनमें जो भी सवाल दिए हुए हैं, जैसे पहला है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, नंबर लेस देन 14 लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/25, परफेक्ट स्क्वायर लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/100, और नंबर लेस देन 30 हो लेकिन प्राइम हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/10. Contains 15 balls of which some are white and others are red. तो एक बैग है उसमें 15 बॉले हैं टोटल, तो व्हाइट प्लस रेड इज इक्वल टू है 15. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ अ व्हाइट बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द बैग. अच्छा डब्ल्यू और आर क्या होता है वो मैं लिख देता हूं. लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स बराबर हो जाए डब्ल्यू, और लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो जाए आर. तो उस हिसाब से डब्ल्यू प्लस आर इज इक्वल टू 15 हो जाएगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल भी मान लेते हैं कुछ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, भाई नंबर ऑफ बॉल्स रेड कितनी है आर, और टोटल बॉल्स कितनी है डब्ल्यू प्लस आर जो कि है 15. और उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो है डब्ल्यू, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है डब्ल्यू और टोटल बॉल्स है 15. तो अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेड वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट वाले की प्रोबेबिलिटी से डबल है, यानी ये इससे डबल है. तो बस इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जा रही है यहां पे. R by 15 is equal to 2 times W by 15. ये दोनों कट गया. R is equal to 2W. अब पहली इक्वेशन ये हम फॉर्म कर चुके हैं. दूसरी इक्वेशन ये है. तो मैं बोल रहा हूं यूज 2 in 1. R की जगह हम लोग 2W रख सकते हैं. तो W plus 2W is equal to 15, 3W is equal to 15, W is equal to 5. बच्चों में पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स. तो यही है द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, हमने W माना है जो कि आ रहा है 5. यही अपना आंसर है. अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स. If the probability of drawing a blue ball is twice that of a red ball, find the total number of balls in the bag. तो बैग बना लेता हूं मैं. यहां पर दिया हुआ है कि 6 balls red और कुछ blue balls हैं. तो कुछ हैं तो भाई b blue balls मान लेता हूं मैं. Total balls कितनी है 6 plus b, total balls हो गए. अब बच्चों आपको यहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग पूछा गया है तो आंसर हमारा b प्लस 6 ही होगा. तो यानी हम b कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा. अब तो b जो आया है उसको लिख लेते हैं पहले. लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 6. अ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जा रहा है 6 प्लस बी. नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या है 6. नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स सॉरी हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है बी, और नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारी क्या है 6. अब आपको दिया हुआ है कि भाई पी ब्लू क्या कैलकुलेट हम करते हैं. पी ब्लू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल. तो ब्लू बॉल कितनी है भाई बी है, और टोटल बॉल्स कितनी है 6 प्लस बी. और दूसरी बात क्या है पी रेड, रेड बॉल्स कितनी है 6 और टोटल बॉल्स कितनी है
6 प्लस बी हमें दिया हुआ है गिवन पी ब्लू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी रेड यानी बी डिवाइडेड बाय 6 प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 प्लस बी मतलब पी रेड को लिख लिया हम लोगों ने 6 प्लस बी कैंसल हो जाएगा यानी कि बी आपको आ रहा है 12 और बैग में कितनी है 6 प्लस बी बॉल्स देयरफॉर द बैग हैज 6 प्लस बी इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 बॉल्स तो ये हमारा आंसर हो जा रहा है टेन्स 24 बॉल्स ऑफ विच x आर रेड 2x आर व्हाइट एंड 3x आर ब्लू A ball is selected at random. Find the probability that it is white या फिर not red. चलिए bag को बना लेते हैं. Bag में हमारे पास 24 balls हैं. X red है. 2x white है. और 3x blue. तो टोटल कितनी होगी 3 × 2 = 5 = 6x और आपको टोटल दिया भी हुआ है 24 तो यही लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 24 एक्स प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 24 जो कि जुड़ के आ रहा है 6x 24 तो x आपने कैलकुलेट कर लिया 4. अब x 4 है यानी कि जो हमारी रेड बॉल्स हैं वो कितनी है 4 और 2x व्हाइट बॉल है तो x अगर 4 है तो 2x हो जाएगा 8 और 3x हो जाएगा 12 तो अब हम x कैलकुलेट करने के बाद पता कर चुके हैं कि हमारे बैग में 4 रेड बॉल्स हैं 8 व्हाइट बॉल्स हैं और 12 ब्लू बॉल्स हैं जो कि जुड़कर हमें दे देंगे 24 ओके तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल लिखेंगे पी व्हाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स व्हाइट बॉल्स कितनी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8 टोटल बॉल्स कितनी है 24 तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3 फर्स्ट पार्ट बच्चों सॉल्व कर लिया हम लोगों ने सेकेंड पार्ट ये आपसे पूछा गया है पी नॉट रेड भाई रेड ना हो तो नंबर ऑफ नॉट रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो हमें 24 पता है नॉट रेड मतलब इनको छुपा लिया जाए तो ये सब नॉट रेड है तो 12 × 8 = 20 तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 4 से इसे काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 5/6 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स हो जा रहा है 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स हो जा रहा है 5/6 वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग तो ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं अब बच्चों देखिए जो ताश के पत्ते हैं कार्ड्स होते हैं उनमें कुछ सेट पैटर्न रहता है वो यहां पर थोड़ा सा मैंने बनाने की कोशिश की है टोटल बच्चों हमेशा 52 कार्ड्स होते हैं अगर ये 52 नहीं भी दिया हो तब भी आपको 52 मानना पड़ेगा अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होता है कि आधे कार्ड्स रेड होते हैं और आधे कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं तो जो रेड का तो एक तरीके से रेड कार्ड कितने होंगे 26 और ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए 26 अब रेड में भी दो टाइप होते हैं ठीक है एक हार्ट और एक डायमंड उनके शेप्स भी बने हुए हैं उसी तरह ब्लैक में भी दो टाइप होते हैं स्पेड और क्लब उनके भी शेप्स बने हुए हैं तो यानी कि अगर कोई पूछे कि भाई कितने हार्ट
कार्ड्स होते हैं तो हो जाएगा 13, कितने क्लब कार्ड्स होते हैं तो वो भी हो जाएगा 13, भाई 13 13 इंटू 4 करेंगे तो 52 हमारा टोटल आ जाएगा। अब इसमें और जो नाम होते हैं वो लिख देता हूं मैं, जैसे कि हार्ट में एक किंग होगा, एक क्वीन, एक जैक, जैक को कभी कभी जोकर भी बोलते हैं, दोनों तरीके से आपको मालूम होना चाहिए नाम। फिर उसके बाद नंबर्स आ जाते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वन का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, वन का नाम होता है एस, तो एस कार्ड अगर लिखा मिले तो आप समझिए वन की बात कर रहा है या इक्के की बात कर रहा है। एक और इसमें बात ध्यान देने वाली है कि इनको हम बोलते हैं एक और नाम से फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स का एक और नाम होता है ऑनर कार्ड्स। तो ये सब नाम जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे एक हार्ट का किंग होता है वैसे ही एक डायमंड का भी किंग होता है। उसी तरह मैं स्पेड के लिए लिखे दे रहा हूं किंग, क्वीन, जैक ऑब्लिक जोकर, एक ही बात है, चाहे जैक बोलिए चाहे जोकर बोलिए, और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अब देखिए किंग कितने हुए, तो एक हार्ट का किंग हो गया, एक डायमंड का किंग हो गया, एक स्पेड का किंग हो गया और एक क्लब का किंग हो गया। तो इस तरह से किंग कितने होते हैं 4, 7 कितने होते हैं 4, एस कितने होते हैं 4। अगर कोई पूछे कि 8 रेड कितने होते हैं तो होते हैं 2। अगर कोई पूछे कि हार्ट के 5 कितने होते हैं तो आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपको पूरे कार्ड में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, क्या क्या कलर होते हैं और क्या क्या शेप होते हैं वो मालूम होना चाहिए। इतनी थ्योरी आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, याद नहीं है, उतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं करता है, तो जब आप शुरू कर रहे हैं इस तरह के सवालों को तो इस तरह पूरा लिख लिया करिए, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो अब इतनी थ्योरी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, 52 से निकाल रहे हैं, तो एक तो बच्चों मतलब फिक्स बात हो गई कि टोटल जो होगा हमेशा 52 होगा, जब भी हम लोग निकालेंगे तो 52 से टोटल लिख रहा हूं मैं, तो हम लोग 52 से ही कैलकुलेशन करेंगे। तो अब 2 ऑफ स्पेड, तो देखते हैं स्पेड कहां पे, स्पेड ये है और 2 कहां पे है, ये है। तो इस तरह से 2 ऑफ स्पेड कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि हर एक कलर में हर एक शेप में कोई भी नंबर होगा वो एक ही होगा, तो 2 ऑफ स्पेड एक ही होगा। अगर यहां पे 2 ऑफ ब्लैक बोला होता बच्चों तो ब्लैक के 2 एक ये हो जाता और एक क्लब वाला भी हो जाता। तो 2 ऑफ स्पेड यहां पे कितने आ रहे हैं, हमारा केवल एक ही एंट्री आ रही है। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ स्पेड का आंसर कैसे हम लोग करेंगे, काम का कार्ड कौन सा हमारा 2 ऑफ स्पेड ये है, तो आंसर हो जा रहा 1 अपॉन टोटल कितना है 52। अ जैक, अब देखिए जैक बोला है, कोई कलर नहीं मेंशन किया और कोई शेप नहीं मेंशन किया, तो जैक कितने, एक यहां पर है, एक रेड वाला और होगा, एक यहां पर है, एक ब्लैक वाला और होगा, तो टोटल जैक कितने हो गए, 1 2 3 4 जैक हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक कितना हो जाएगा, 4 जैक हो चुके हैं, टोटल कितना है 52। अब उसके बाद किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं, एक ये और एक ये, ये तो ब्लैक कलर में आ गए, तो यहां पे आंसर हमारा मतलब कितने काम के किंग हैं हमारे, 2 काम के किंग हैं, तो पी रेड किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग कितना हो जाएगा, 2 काम के हैं, टोटल कितना है 52। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 बाई
26 आ जाएगा, उसी तरह ये 1/13 आ जाएगा। अ कार्ड ऑफ डायमंड, तो डायमंड में इतने सारे कार्ड है, कोई भी निकल आए अपने काम का होगा। तो कितने कार्ड होते हैं एक कलर में और एक शेप में? 13। तो कितने डायमंड होंगे हमारे पास? 13। मैंने बताया था ना 13 13 13 13 मिलके बनाता है 52। तो डायमंड में हमारे पास कितने कार्ड है? 13। तो P डायमंड। इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 13 / 52 इज इक्वल टू 1/ तो अब पूछा जा रहा है अब किंग और अब क्वीन। तो अब देखिए किंग और क्वीन ये दोनों हैं और ऐसे कितने होंगे? 2 2 4 2 6 और 8। तो बस वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग / क्वीन इज इक्वल टू 8/ टोटल कितना है? 52। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2/13। अ नॉन फेस कार्ड, बच्चों फेस कार्ड ये वाले हैं तो नॉन फेस कार्ड ये सब है। तो 10 10 20 30 और 40, तो 40 नॉन फेस कार्ड होंगे। पी नॉन फेस इज इक्वल टू 40/52। तो कितने हो जाएंगे? 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 10/13। अब ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक कार्ड यहां पर है, उनमें से 3 फेस कार्ड ये हैं और 3 फेस कार्ड ये हैं। तो 3 3 6 हमारे काम के हैं। पी ब्लैक फेस 6/52। तो इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो 3/26। उसी तरह ब्लैक कार्ड ये तो बड़ा आसान है, मैंने बताया ही था कि आधे कार्ड रेड होते हैं और आधे कार्ड ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26 26/52 आंसर हो जाएगा 1/ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन एस कार्ड। तो देखिए इतने सारे कार्ड हैं हमारे पास, टोटल 52 है, और नॉन एस कार्ड मैंने बोला कि ये 1 1 1 1 वाले एस कार्ड होते हैं। तो यानी नॉन एस का मतलब है कि ये 4 हटा दिए जाए और बाकी जितने बचे वो हमारे प्रोबेबिलिटी में शामिल होंगे, इवेंट में शामिल होंगे। तो हम लोग बोलेंगे पी नॉन एस, यानी कि टोटल तो 52 ही है, टोटल इवेंट्स तो 52 पॉसिबल है, कोई भी कार्ड चुने तो 52 तरीके से चुन सकते हैं। और अब नॉन एस है तो ये एस वाले हट जाएंगे, तो 52 में से 4 हट गए तो बचे कितने? 48। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12/13। अ नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, तो हमारा जो कार्ड है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए लेकिन फेस नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये 3 और ये 3 6 नहीं हो और बाकी ये 10 ब्लैक और ये 10 ब्लैक हो, तो फिर 10 10 20 ब्लैक हो गए एक तरीके से हमारे पास जो काम के हैं। तो पी नॉन फेस ब्लैक क्या हो जाएगा? 20/52, 4 से डिवाइड करेंगे 5/13। अब उसके बाद बोल रहा है नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक, मतलब स्पेड भी ना हो और जैक भी ना हो। तो जैक देखिए यहां पे है, तो जैसे ही स्पेड हट गया पूरा तो 13 हट गए, फिर एक ये हट गया, एक ये हट गया और एक ये वाला जैक हट गया, ये जैक तो 13 में ही शामिल हो जाएगा। तो 13 स्पेड हट गए, 2 रेड जैक हट गए 15 और एक और ब्लैक जैक हट गया 16। यानी 16 कार्ड्स हमारे 52 में से हट गए, बाकी सारे हमारे काम के हैं। तो 52 में 16 गया हो जाएगा 36।
डिवाइडेड बाई 52. तो हम लोग लिखेंगे P neither spade nor jack की प्रोबेबिलिटी हो रही है बच्चों 36/52. इसको हम 4 से कट करेंगे तो 9/13. Neither a heart nor a red king. ये भी पिछले पार्ट जैसा ही है भाई, कोई हार्ट ना हो यानी ये 13 तो हट गए, और रेड किंग यानी कि एक रेड किंग और होगा, 13 यहां से हट गए, एक रेड किंग और हट गया यानी 14 हट गए, तो 52 से 14 कम हो गया तो कितना हुआ 38. 52 से 14 कम हुआ कितना हो गया 38 डिवाइडेड बाई 52. तो P neither heart nor red king. तो हमारा इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे, आंसर हो जाएगा 19/26. तो अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो नॉन एस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12/13, नॉन फेस ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/13, नाइदर स्पेड नॉर जैक की 9/13, नाइदर हार्ट नॉर रेड किंग की 19/26. देखिए बच्चों, ऑल द थ्री फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. तो जो स्पेड है उसके तीनों फेस कार्ड जो हैं उन्हें हम लोगों ने रिमूव कर दिया. स्पेड के तीनों फेस कार्ड रिमूव हो गए भाई. तो तीन कार्ड रिमूव हो गए तो 52 में से 3 के हमारे पास टोटल कितने बचेंगे 49 कार्ड्स. अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक. तो जो अब बचा हुआ पैक है 49 कार्ड्स का, उसमें से एक कार्ड निकाला गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड. तो अब देखिए बच्चों, ब्लैक फेस कार्ड तो 3 निकल चुके हैं और 3 ही ब्लैक फेस कार्ड बचे हैं. चलिए देखते हैं. तो पी ब्लैक फेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड क्या हो जाएगा, 3 ही ब्लैक फेस बचे हैं और टोटल हमारे पास कितने हैं 49. तो अपना आंसर हो जाएगा 3/49. अब उसके बाद क्वीन देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, क्वींस कितनी है 1, 2 और 3, बाकी ये वाली क्वीन तो गायब हो चुकी है. तो 3/ फिर से टोटल कितना है 49. ये भी अपना आंसर आ गया. ब्लैक कार्ड, अब ब्लैक कार्ड ये भी है, ब्लैक कार्ड ये भी है, यहां से लेके यहां तक ये 10 है और यहां से लेके यहां तक कितने हैं 13. 13 प्लस 10 कितना हो गया 23. तो P ब्लैक कार्ड कितना हो गया 23 डिवाइडेड बाय 14. तो बस अगर जो हमारा पैक है उससे 3 स्पेड फेसेस हटा लिए गए हैं तो ब्लैक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/49, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/49, और कोई भी ब्लैक कार्ड निकाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 23/49. देखते हैं बच्चों, ऑल द थ्री फेस कार्ड्स ऑफ अ स्पेड आर रिमूव फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट अ स्पेड एंड 9 ऑफ ब्लैक कलर. ओके, तो ये पिछले ही क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, उसको हम लोग आगे कर रहे हैं. देखिए यहां पर ये 3 कार्ड हट चुके हैं, टोटल 49 है जैसे दिया हुआ है कि फेस कार्ड ऑफ स्पेड हट चुके हैं. तो अब हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल 49 है ये नहीं भूलना है हमें. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 49 जरूर करेंगे क्योंकि टोटल कार्ड इतने ही हैं,
और हार्ट हमारे पास कितने हैं 13 और गेटिंग अ स्पेड स्पेड में 3 निकाले जा चुके हैं तो बचे कितने हमारे पास 10 तो इसका आंसर है 10/49 नाइन ऑफ ब्लैक कलर अब नाइन ऑफ ब्लैक कलर देखे कहां है ये दोनों है नाइन ऑफ ब्लैक कलर तो कितने हैं 2 हैं और टोटल कार्ड्स हमारे पास 49 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 ऑफ ब्लैक कलर आ जाएगा 2 दो केसेस काम किए हमारे डिवाइडेड बाय टोटल 49 तो अगर किसी पैक ऑफ 52 कार्ड से 3 फेस कार्ड ऑफ स्पीड हटा दिए जाए तो हार्ट की प्रोबेबिलिटी आने होगी 13/49 स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/49 और 9 ऑफ ब्लैक कलर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/49 पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ ब्लैक जैक अ रेड क्वीन एंड 2 ब्लैक किंग्स फेल डाउन तो भाई ब्लैक वाले क्या क्या ब्लैक जैक गिर गया और 2 ब्लैक किंग्स 2 ब्लैक किंग गिर गए उसके बाद एक रेड क्वीन गिर गई कोई रेड क्वीन गिर गई पता नहीं कौन सी गिर गई किसी को भी गिरा देते कोई दिक्कत नहीं अ कार्ड वॉज देन ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ब्लैक कार्ड किंग और अ रेड क्वीन चलो तो अब की बार देखो 1, 2, 3, 4 गिर चुके हैं और टोटल 52 होता है तो 52 में से 4 गिर गए तो हमारे पास कितने बचे 48 अब बस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड कितना हो जाएगा एक तो 48 अपॉन में आ जाएगा ब्लैक कार्ड है कितने 13 में से 2 गया 11 और यहां 13 में से 1 गया 12 तो 11 और 12 जिलकर 23 हो गए दूसरी तरीके से आप ये भी बोल सकते थे कि 26 ब्लैक कार्ड होते हैं तो उसमें से 3 चले गए तो 23 बचे हमारे पास तो बस यही हमारा आंसर है अब किंग कितने हैं 2 किंग है टोटल कितने 48 बस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग काम के कितने हैं 2 किंग है और टोटल कितने हैं हमारे पास कार्ड्स 48 हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1/24 और रेड क्वीन तो एक ही है तो ये हो जाएगा 1/48 तो अब दोबारा से बताता हूं क्वेश्चन को कि भाई अगर 52 कार्ड्स में से एक ब्लैक जैक एक रेड क्वीन और 2 ब्लैक किंग गिर जाते हैं तो 48 बचते हैं और उसके बाद रैंडमली एक कार्ड निकाला गया तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 23/48 किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/24 और रेड क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/48 तो ये तीनों हमारे आंसर हैं 2 पॉइंट्स आर टॉस्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स या फिर एटलीस्ट 1 टेल ICSE 2012 में क्वेश्चन आ भी चुका है काफी रीसेंट है तो देखिए 2 कॉइन जब उछालेंगे एक कोई भी कॉइन होगा तो उसमें हेड या टेल ही ऑप्शंस हैं तो 2 उछाल रहे हैं मान लीजिए तो कुछ भी सामने रिजल्ट आ सकता है तो क्या क्या पॉसिबल आंसर है या रिजल्ट्स हैं हेड आ जाए या हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए ये फर्स्ट कॉइन है और ये सेकंड कॉइन है प्लीज बच्चों ध्यान रखिएगा कि हेड टेल और टेल हेड दोनों अलग अलग केसेस माने जाते हैं ठीक है तो यानी टोटल हमारे पास कितने 4 केसेस हैं और 2 हेड आए एग्जैक्टली तो उसके लिए एक ही केस अपने काम का है तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स कितना हो जाएगा एक केस हमारे काम का है
और टोटल केसेस कितने हैं? 4। तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा आंसर है। अब उसके बाद अगला वाला केस करते हैं, जब एटलीस्ट वन टेल चाहिए, एटलीस्ट वन टेल, ये हमारे काम का रिजल्ट है। अगर कि एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट का मतलब है कि एक टेल अगर आ जाए तो हम उसे अपने काम का मानेंगे, लेकिन अगर दो टेल भी आ जाए तब भी हम उसे कम अपने काम का मानेंगे, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम एक टेल में ये तो आएगा ही, और भाई इसमें भी तो कम से कम एक है, दो है तो क्या हुआ, एटलीस्ट एक तो है, तो इसलिए ये तीनों हमारे काम के हो गए और 3 यूजफुल इवेंट्स हो गए और टोटल कितने हो गए? 4। तो बस यही दोनों हमारे आंसर है। 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये 4 क्वेश्चन है। तो दो अलग अलग कॉइन है और उन्हें जब हम उछालते हैं तो ये चारों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। तो अब दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? दो टेल का तो केवल एक ही केस बन रहा है हमारे पास, ये वाला, तो उसे मार्क कर दे रहा हूं मैं रेड से। दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो जाएगी? पी टू टेल्स, तो हो जाएगा डिवाइड बाई 4 होगा, क्योंकि टोटल केसेस तो 4 हैं और अपने काम का कितना है? 1। वन टेल, तो वन टेल के लिए कौन कौन से केसेस हैं? एग्जैक्टली वन टेल लिखाओ तब भी यही बोलेंगे, यही आंसर आएगा, और केवल वन टेल बोलेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो एग्जैक्टली वन टेल और वन टेल एक ही केस माना जाता है, तो आप यहां पे पी वन टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल कितना आ जाएगा? 2 केसेस काम किए हमारे और टोटल कितने हैं? 4। तो ये हो जाएगा कितना? 1/2। नो टेल यानी 0 टेल, मतलब टेल हो ही ना, तो ये काम के नहीं है, ये हो जाएगा केवल हेड आ जा रहा है। यानी अगर नो टेल की जगह ओनली हेड्स लिखा होता या 2 हेड्स लिखा होता तो भी हमारा आंसर चल जाता। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, नो टेल में कौन सा हमारा केस इंक्लूड होगा? केवल ये वाला। तो कितने हैं? 1। 1/4 हमारा आंसर हो गया। अब की बार हम लोगों को करना है एट मोस्ट वन टेल। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, एट मोस्ट को समझना। जैसे पिछली बार हम लोगों ने एटलीस्ट समझा, एट मोस्ट का मतलब है कि एक भी टेल ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल में कौन कौन से केस हैं भाई? एक टेल और 2 टेल हो तो हमारा काम नहीं चलेगा। एट मोस्ट वन टेल में 0 टेल भी काम आएगा। तो बस ये तीनों हमारे काम के हैं यहां पर। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, तो आंसर हो जाएगा 3/4। स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2 IITians। 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस हैं उन्हें एक साथ फेंक दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। देखिए, 3 से ज्यादा नंबर डाइस में क्या ही आ सकता है? 3 ग्रेटर देन 3 का मतलब है 4, 5 और 6। तो 4, 5 और 6 वाली लाइंस पे चलते हैं। 4 वाली लाइन ये है और 4 वाली लाइन ये है। अब आप देख सकते हैं, लेकिन दोनों में ग्रेटर देन 3 चाहिए, तो केवल ये बक्से के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो ही हमारे काम की है। अच्छा, ये कैसे हमने जनरेट किया भाई? 2 डाइस हैं और पहले डाइस में भी 1 से लेके 6 तक नंबर्स आ सकते हैं, दूसरे डाइस में भी 1 से लेके 6 तक नंबर्स आ सकते हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन 6 × 6 36 होंगे। अगर आप इन्हें काउंट करें तो ये 36 होंगे, 6/6 की मैट्रिक्स है।
तो अब इसमें हमारे काम के क्वेश्चन नंबर वन के हिसाब से ये वाले, तो इनको काउंट करते हैं कितने हैं, 9। तो बस यही भी लिख देते हैं, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 / 36। 9 ये है और टोटल ये है। क्या होता है, यूजफुल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1/4। सो फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, अब सेकेंड पार्ट के लिए जगह बनाते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि हमें ऑड नंबर चाहिए दोनों डाइस में, तो दोनों डाइस में ऑड नंबर एक एक करके हम लोगों को सारी वैल्यूज में देखना होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक पैटर्न बन जाएगा, दोनों ऑड दोनों ऑड दोनों ऑड है ऐसा। अब यहां पे दोनों ऑड मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 तो आपको मिल ही जाएगा, हर जगह 2 यहां पे, फिर दोनों ऑड दोनों ऑड दोनों ऑड, फिर अब आप समझ सकते हैं अगला ये है। तो काम के इवेंट्स हमारे कितने हो गए, 9, फिर वही बात है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, अरे यार हैशटैग से कंफ्यूजन ना हो जाए, ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस क्या हो जाएगा, 9 / 36, तो हो गया कितना, 1/4। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। सो दिस इज डन नाउ। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये 4 सवाल है आपके पास। तो 2 डाइस हैं, एक मैंने रेड बना दिया एक ब्लैक बना दिया बताने के लिए कि अलग अलग है। तो आप देखिए, कभी भी दो जो डाइस होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो लूडो में खेलते हैं आप लोग। और दो तरह के दो डाइस है, मतलब कि उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों में होगा, बट एक रेड है मान लीजिए, एक ब्लैक है या कोई दूसरे दूसरे कलर का है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में, एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है। तो उनको फेंका तो दोनों में से 6 में से कुछ आ सकता है, तो मान लीजिए कुछ भी रिजल्ट आया, पहले में 2 आ गया दूसरे में 3 आ गया, तो एक हमारा इवेंट बन गया। तो इस तरह से ऐसे 6 6 36 हमारे रिजल्ट्स पॉसिबल है। तो जो सैंपल स्पेस होगा हमारा, उसमें 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो अब उसमें से एक डबलेट आ जाए, पहला सवाल ये है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि डबलेट क्या होता है, डबलेट मतलब डबल, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 या 6 6, इनमें से कोई भी आ जाए तो उसे हम लोग डबलेट कहेंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डबलेट हमारे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट हो जाएगा कितना, 6 / 36, तो जिसे हम बोलेंगे 1/6। अ सम ऑफ 8। अब यहां पर जब भी बच्चों सम का सवाल हो, तो दो बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो मिनिमम सम है 2 और मैक्सिमम सम है 12। तो ये हमारी बाउंड्रीज है, ये यहां तो उतना काम नहीं आएगा लेकिन आगे काम आएगा। चलिए देखते हैं, सम ऑफ 8 चाहिए, तो 8 चाहिए, तो अगर 1 है तो 1 पहले वाले में 1 आ गया, तो 8 सम बनाने के लिए हमें 7 लाना पड़ेगा, लेकिन किसी डाइस में 7 होता ही नहीं है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या, आप क्या इसको अगर यहां पे ढूंढने बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, इससे अच्छा है कि हम उसे लिख ही ले और उसमें कम टाइम लगेगा लिखने में। बच्चों देखिए, तो 1 के साथ तो कोई भी पेयर अप करके 8 बना ही नहीं पाएगा, 2 के साथ एक हो सकता है 6, अब 3 के साथ क्या हो जाएगा 5, और 4 के साथ क्या हो जाएगा 4, अब उसके बाद 5 करेंगे, देखिए 5 3 आ गया, यही वाला उलट के आ गया, और उसके बाद आगे आ जा रहा है 6 के साथ 2। तो कोई भी डाइस जो होगा वो 6 से ज्यादा तो आएगा नहीं, तो अब इसके आगे वाले केसेस हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है।
तो यानी कि पांच केसेस ऐसे हैं जहां सम 8 आ जा रहा है. तो P सम ऑफ 8 इज इक्वल टू पांच केसेस काम के टोटल 36. यही अपना आंसर है. सम डिविजिबल बाय 5. तो दोनों का जो सम है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए. तो हम क्या चाहेंगे कि सम क्या क्या हो सकता है, 5 हो जाए या सम 10 हो जाए, क्योंकि डिविजिबिलिटी तो 15 की भी है 5 से, है ना. 5 का एक मल्टीपल तो 15 भी है. लेकिन अब ये बात काम आएगी कि कभी भी सम 12 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो हमें यहां 15 वाला केस लेना ही नहीं है. तो अब सम अगर 5 आता है तो पहला 1 के साथ 4 आए, 2 के साथ 3 आए, और 3 के साथ 2 आए, 4 के साथ 1 आए. तो हम सम 5 बना पाएंगे. और उसके बाद 10 सम बनाना है, तो एक तो हो जाएगा 5 के साथ 5 आए, और 6 के साथ 4 आए, और 4 के साथ 6 आए. तो एक तरीके से हमारे पास 4 और 3 7 केसेस हैं जो काम के, टोटल 36 है. तो प्रोबेबिलिटी सम डिविजिबल बाय 5 का क्या आंसर होगा, काम के केसेस हमारे ये हैं, 5 डिवाइडेड बाय टोटल 36. अब सम ऑफ एटलीस्ट 11, ये भी बिल्कुल इसके जैसा सवाल है. अगर हमें सम एटलीस्ट 11 है तो 11 तो काम का है ही, और उसके साथ 12 भी हमारे काम का है. 13 भी हम बोल सकते हैं एटलीस्ट 11 में काम आएगा, लेकिन 13 इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दो जो डाइस है वो जुड़कर कभी 13 ला ही नहीं सकते. मैक्सिमम वैल्यू 12 है. तो बस या तो 11 आ जाए या 12 आ जाए. अब 1 के साथ तो 10 लाना पड़ेगा, 3 के साथ तो 8 लाना पड़ेगा, 4 के साथ 7 लाना पड़ेगा. ये सब 7 जो हो गया और जो पहले वाले मैंने बताए वो पॉसिबल केसेस नहीं है. जैसे मैंने क्या बोला, 1 के साथ आपको 10 लाना पड़ेगा, तो 10 तो आता ही नहीं है इसमें डाइस में. उसी तरह थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 4 के साथ हमें 7 लाना पड़ेगा, 7 भी आता नहीं है. तो सीधा हम लोग कहां पे जाएंगे कि भाई पहला वाला जो हमारा डाइस है वो 5 दिखा दे और दूसरा वाला 6 दिखा दे, तो हमारा सम 11 बन जाएगा. अब उल्टा कर दीजिए इसी चीज को, 6 5 कर दीजिए, और 12 लाने के लिए एक ही पॉसिबल इवेंट है कि आप 6 6 ले आइए. तो बस अब ये तीन हमारे काम के केस हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ एटलीस्ट 11 क्या हो जाएगा, कि ये तीन हमारे काम के आउटकम है और टोटल आउटकम कितने हैं, 36. इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/12. तो अब फिर से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन. टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, भाई दो डाइस हैं एक साथ फेंके गए हैं, और उनमें डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6. सम ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/36. सम डिविजिबल बाई 5 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/36. और सम एटलीस्ट 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/12.